तो देखिए, आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्या, किस्तों वाले, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। और इंस्टॉलमेंट क्या होती हैं, किसी भी राशि को आप ले एक साथ लें, लेकिन लौटाते समय टुकड़ों में लौटाएं उसे, तो उनकी क्या तो दरों के हिसाब से वो इंस्टॉलमेंट बनती हैं, क्या उनकी दरें एडजस्ट होती हैं, कैसे उसको लौटाया जाएगा, एक किस्त की राशि क्या, ब्याज की राशि क्या, जो ऋण की देय राशि है वो क्या, उन तमाम चीजों की चर्चाएं करेंगे आप। सबसे पहले तो देखो, किस्तों के बारे में समझते हैं कि भाई किस्तें जो होती हैं उसमें क्या होता है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा, छोटी छोटी चीजें बोलूंगा, उनको गौर से सुनिएगा। किसी ने आपको कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज और एक साधारण ब्याज, इनके बारे में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इनके बारे में क्या क्या जानते हो, तो आप ये जानते हो कि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, यानी ये फर्स्ट ईयर के अंदर ये ए मिलता है, तो ये भी फर्स्ट ईयर में क्या मिलता है, ए ही मिलता है। पहले साल तो दोनों का ब्याज बराबर होता है वार्षिक गणनाओं के लिए, दूसरे साल पर ये ए मिलता है, फिर ए के साथ में एक ब्याज का ब्याज और मिलता है, लेकिन ये हर साल क्या मिलता रहता है, ए ही मिलता रहता है। साधारण ब्याज हर साल समान रूप से मिलता रहता है, एक ही प्रकार की राशि आपको मिलती है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज में हर साल राशि बढ़ बढ़ के मिलती है। थर्ड ईयर में राशि कैसे मिलेगी, ए मिली, फिर ए के साथ में क्या मिलेगी, डबल बी क्यों मिलेगा, इस ए का ब्याज, इस ए का ब्याज, फिर एक स्मॉल अमाउंट सी मिलेगा, वो बी का ब्याज मिलेगा। ऐसे हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, जो पिछले क्लासों में मेरे साथ थे या उनको देखा है कहीं से, तो ये जानते होंगे कि भाई ये क्या है। चौथी साल में भी ऐसे ही चलेंगे, एक तो ये डिफरेंस होता है चक्रवर्ती और साधारण ब्याज में। फिर हमने ऐसे पढ़ा कि साधारण ब्याज हमेशा योगात्मक वृद्धि करता है, ये कौन सी वृद्धि करता है, योगात्मक। योगात्मक का मतलब होता है ये एक से दो हुआ कोई भी टाइम में, तो फिर आगे ये देखेंगे कि ये एक बढ़ा तो अब एक ही बढ़ेगा उस टाइम में आगे, यानी दो से क्या होगा, तीन होगा, फिर तीन से चार होगा टी टाइम में। टी टाइम का मतलब है 5 साल 10 साल, जो भी एक निश्चित समय पीरियड रहा हो। फिर यदि ये एक से तीन हुआ टी टाइम में, तो ये 2+ हुआ कि नहीं, योगात्मक, योग के हिसाब से बढ़ेगा, तो अब नेक्स्ट टाइम ये तीन से क्या होगा, 5, यहाँ भी 2 ही बढ़ेगा। सेम समय अंतरालों में सेम योगात्मक वृद्धि करता है, यानी पिछले वाले गैप के दरमियान जितना बड़ा था सेम अगले गैप के दरमियान बढ़ेगा। ये कौन सी वृद्धि करता है, गुणात्मक। ये गुणात्मक वृद्धि फील होती है, यानी साला बहुत तेजी से बढ़ता है धन। यदि आपने किसी को कोई पैसा दिया है 1 रुपए के, वो 2 रुपए हो गए टी टाइम में, तो यहां देखेंगे ये 2 गुना हो गया कि नहीं, तो अब 2 से 3 नहीं होगा, 2 से डायरेक्ट 4 गुना होगा उसी टाइम के दरमियान। यहां 5 साल लगी, तो आगे 1 से 2 होने में 5 साल लग गई मान लो, तो फिर 2 से 4 होने में अगली 5 साल में ही 4 हो जाएगा। यहां क्या होता है, 5 साल में डबल हुआ तो अगली 5 साल में ट्रिपल ही होगा मतलब, और यहां साला क्या हो जाता है, 4 गुना, क्योंकि गुणात्मक वृद्धि करता है। अब 4 से कितना होगा, 8 होगा, फिर 8 से क्या होगा, 16। मान लो ये ट्रिपल होता, 1 का 3 होता टी टाइम में, तो फिर 3 का 9 होता, फिर 9 का 27 होता, ये गुणात्मक वृद्धि करता है। इसमें मैंने एक बात और बताई थी कि साधारण ब्याज में जो पी और ए होता है, देना लौटाना जो होता है, उसमें फर्स्ट ईयर में ये ए अनुपात बी चलता है, तो सेकंड ईयर में ये होता है ए गुणा ए और बी गुणा बी, ये गुणात्मक वृद्धि करता है हर साल। फिर मैं कहूं कि तीसरे वर्ष में कैसे चलेगा, तो आप कहेंगे सर ए गुणा ए, यानी इसका गुणा बढ़ता जाएगा, ए गुणा उधर बी गुणा, तो उधर होगा बी गुणा बी। या फिर इस चीज को आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ ये था तो दूसरे साल में स्क्वायर बनेगा, ऐसे मैंने दर ज्ञात करना सिखाया था आपको जब पढ़ाए थे तब, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज, ये ए क्यूब और ये क्या बनेगा, बी क्यूब। इतना तो ध्यान रखें कि ये गुणात्मक वृद्धि कैसे कैसे करता है, ये पिछले चैप्टर की बात हो गई जो मैं पढ़ा चुका हूं, आज तो उसको बोला हूं कि इस टॉपिक को कनेक्ट कर पाए। आज हम पढ़ेंगे कि भाई किस्तें कैसे चलती हैं, किस्तों के मटेरियल क्या होते हैं। कोई राशि आप लेंगे,
एक साथ लेंगे इस राशि को, लेकिन जब इसको लौटाएंगे तो अलग अलग टुकड़ों में लौटाएंगे, अलग अलग टुकड़ों में लौटाएंगे कि भाई 12 महीने की किस्तें बना रहे हो, हर महीने की किस्तें, तो 12 किस्तों में लौटाओगे। हो सकता है कोई 2 किस्तों में लौटाए, हो सकता है कोई 4 में लौटाए, हो सकता है कोई 6 में लौटाए, कोई 6 साल में लौटाए, कोई 36 महीने में लौटाए, कोई 24 महीने में लौटाए। वो सब अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग प्रकार की जानकारी होंगी, उस हिसाब से अपन हैंडल करेंगे। एक तो ये कि जब किस्तों में लौटाते हैं तो क्या आप ऐसे लौटाते हैं क्या कि कभी 10,000 दे दिए, कभी 5,000 दे दिए, कभी 2,000 दे दिए? ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर क्या हमेशा ही ये होता है कि पहली किस्त 5,000 की आई तो हर किस्त 5,000 की आएगी। यानी किस्तों की जो देय राशि होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। यानी पहली किस्त 5,000 की है तो तमाम किस्तें 5,000 की आएंगी, यही होता है। यानी किस्तों की लौटाई गई राशि समान होती है और इधर वाली राशि एक साथ होती है। भाई आपको 7 लाख रुपए चाहिए तो बैंक तो आपको 7 लाख एक साथ ही दे देता है, लेकिन आपसे लेता क्या है, टुकड़ों में लेता है। अब वो चक्रवर्ती से ले जाए, इसे सामान्य में ले, लेकिन जो किस्त की राशि होती है तो वो इक्वली होती है। तो पहली बात तो ये है कि जो देय राशि होगी, जो लौटाई जाएगी, उसकी किस्तें बनेंगी वो हमेशा क्या बनेंगी, बराबर बराबर बनेंगी। एक उसमें दर होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, ब्याज की दर। जैसे 5% ब्याज की दर है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए का ब्याज कितना लगना है, 5 लगना है। वार्षिक है तो 1 वर्ष में लगना है, मासिक है तो 1 महीने में लगना है, अर्धवार्षिक है तो ये 6 महीने में लगना है। ये वार्षिक दर हो और इसको अर्धवार्षिक बनाए तो ये 2.5% लगनी है। ये हम बदलना और डरना भी सीख चुके हैं। ये 5% वार्षिक दर है, इसका मतलब क्या होगा कि 100 रुपए आप किसी से लाएंगे तो लौटाने कितने पड़ेंगे, 105। अब मान लो मैं इसे काटता तो ये 5 से कटता तो ये 20 रुपए लाते तो कितना लौटाना पड़ता, 21। मैंने कहा था अनुपात से ऐसे बनाए। यदि ये चक्रवर्ती ब्याज में फर्स्ट ईयर में मामला होता तो सेकंड ईयर में ये मामला कैसे बनता, आप कहते सर सेकंड ईयर में 20 गुना 20 और इधर क्या बनता, 21 गुना 21 बनता। ऐसे ही तो साल दर साल पढ़ा अपन ने, और नहीं भी पढ़ा तो आज से ये जान ले आप कि चक्रवर्ती ब्याज गुणात्मक वृद्धि करता है। चक्रवर्ती ब्याज की किस्तों को कभी भी अरेंज करें आप परीक्षा में तो ऐसे अनुपात लगाएं गुणात्मक, कोई सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट समझ से ही कर देंगे आप क्वेश्चंस को। मान लो तीसरी किस्त भी मुझे पे करनी होती तो मैं क्या करता, 20 गुना 20 गुना 20 लिखता और इधर क्या लिखता, 21 गुना 21 गुना 21। लेकिन किस्तों की राशि हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, तो उधर वाली राशि को अपने को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसे बराबर कैसे करते हैं, क्या करते हैं। 2 किस्तें और 3 किस्तों में जब भी चक्रवर्ती ब्याज की किस्तें आए अपने पास में, कौन सी किस्तें पढ़ेंगे, सबसे पहले सीआई की किस्तें। सीआई की किस्तों में 2 किस्तें हैं या 3 किस्तें हैं तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, पहले मैं 2 बता रहा हूं फिर क्या बताऊंगा, 3। कोई भी पर्सन ऐसा आया जिसमें दर है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, तो आपको फर्स्ट ईयर का अनुपात लगा देना है कि सर पहले वर्ष में 100 रुपए लाएंगे तो लौटाने कितने पड़ेंगे, 110। यानी इधर वाली को किस्त की राशि मान ले, इधर वाले को लाना मान ले, तो बताओ फर्स्ट ईयर में जो इनका अनुपात होगा वो 10:1 कितना होगा, 11। उसके बाद मैं कहूँ सेकेंड ईयर में क्या होगा तो आप कहेंगे सर 10 गुना 10 और इधर क्या होगा, 11 गुणा 11। किस्तें पढ़ने से पहले चक्रवर्ती ब्याज की पढ़ रहे हैं अपन, ये साधारण की इससे आगे पढ़ाऊंगा मैं। फिर थर्ड ईयर में क्या होगा, ये 10 गुणा 10 गुणा 10 और इधर कितना होगा, 11 गुणा 11 गुणा 11। इधर वालों को अपन ने क्या मानी है, किस्तें। इधर वाली क्या मानी है कि ये किस्तों में लौटाई गई राशि है और ये शुरुआत वाली राशि है जो टोटल आपने ली है। तो अब मैं इनको ये बनाऊं कि कितना लेना और किस्तों में कितना लौटाना, ये मैं यहाँ से तय करूं। तो मैंने कुछ देर पहले कहा था कि किस्तें हमेशा लौटाई जाती हैं समान, 3 किस्तें लौटाई हैं तो 3 बराबर रही होंगी, ऐसे तो है नहीं, 1 10 की 11 की लौटाई रे, 1 121 की लौटाई, ऐसे तो है नहीं। तीनों ही या तो 111 की लौटाई होंगी या 121 की या 1331 जो भी बना होगा उसकी। तो बताओ यहाँ कितनी किस्त लौटाई है आपने, 1331 है ये 11 गुणा 11 गुणा 11, तो ये किस 1331 की हो गई, लेकिन ये पहले वाली 1331 की नहीं थी, लेकिन इसे आप 1331 की बना ले,
अब आप कहेंगे सर कैसे बनाए इसको 1331, तो मैंने अनुपातों को बदलना सिखा रखा है कि कोई भी अनुपात होता है उसका रूपांतरण किया जा सकता है। मान लो इस अनुपात को मैं इधर 11 से गुणा कर दूं तो इधर भी किससे गुणा कर दो 11 से, तो ये पहले जैसा ही रहेगा लेकिन इसका रूप जो अपने को चाहिए वो मिल जाएगा। तो अब बताओ ये किस्त भी 1331, ये किस्त भी 1331, ये पुरानी किस्त भी मैं 1331 की बनाना चाहूं तो यहाँ केवल 11 है, इधर केवल कितना है 10, तो इसको मैं 1331 बनाऊं तो 11 गुणा 11 और कर दूं वहां पर, और इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा 11 गुणा 11। अनुपातों का रूपांतरण करें तो जिस संख्या का इधर गुणा करें उसी का उस दूसरी साइड में गुणा करें, या जिस संख्या का इधर भाग दें उसी का उधर भाग दें, भाग भी दे सकते हैं आपस में। अब मुझे बताओ इसका नया अनुपात क्या हो गया। अब आप कहेंगे सर नया अनुपात 11 गुणा 11 121 होता है और उसके जीरो, तो ये 1210 तो इधर लेना हो गया, और पहली किस्त कितने की दे दी 1331 की, फिर यहाँ 10 गुणा 10 तो 100 हो गया, और 11 ये कितना हो गया 1100, और ये कितना हो गया 1331, किस्तें तो बराबर आ रही हैं कि नहीं। अब देखे देखो, और इधर कितना हो गया अब 1000, और इधर कितना हो गया 1331। समझ पाए होंगे तीन किस्तों में लौटाना हो तो ये कैसे बनाया मैंने, ये बनाना आना चाहिए। अब किस्तों के रूप में उसने कितनी राशि दे दी 1300 1300 1300 3900 और 31 31 31 93, तो कितनी दे दी 3900 तो किस्तों के रूप में उसने पे कर दी, और लिया कितना था इन सारों को जोड़ दो 3000, तो ये हो गया 310, 3310 यानी 3310 तो उसने लिए थे किस्तों में, लौटाए कितने हैं 3993 रुपए। कोई कहे ब्याज कितना है तो इनको घटा दूंगा मैं, इनको घटा दूंगा वो ब्याज हो जाएगा, तो ब्याज कितना हो गया 600, सही है, इतना ब्याज हो गया, ये ब्याज बन गया, ये ली गई राशि हो गई, ये देय राशि हो गई कि नहीं। अब इस अनुपात में वो जो भी पूछे उसका बंटवारा कर सकते हैं। फिर से सुनना, यदि मान लो किसी ने आपको ऐसे कह दिया कि एक दर है और दर है 8 सही 1/3%, ये कोई दर है, और दो किस्त बनानी है, दो किस्तें बनानी है इसकी, और कौन सी किस्तें बनानी है, चक्रवर्ती ब्याज वाली पढ़ रहे हैं अभी अपन कि चक्रवर्ती ब्याज वाली किस्तें कैसे काम करती हैं। तो आप कहेंगे सर दो किस्तें अपने को बनानी है तो मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का अनुपात लगा दूंगा डायरेक्ट इनका, तो बताओ 8 सही 1/3% को क्या लिख सकते हो, 8 या 24 1 25/300 लिख सकते हो, यानी 300 रुपए लाओगे तो 325 लौटा के आने पड़ेंगे आपको, अरे 25 एक्स्ट्रा लौटा के आने पड़ेंगे। तो ये ही काट लिया मैंने इसको कि ये 25 दो जीरो को काटता है, 25 चौक 100, तो 1/ कितना हो गया 12, यानी आप 12 रुपए किसी से लाते थे तो 1 रुपया ब्याज बन जाता था, तो कितना लौटाते थे 13। अब सेकंड ईयर में ये गुणात्मक वृद्धि करता है तो ये 12 गुणा 12 रहा होगा, तो ये 13 गुणा 11 होगा, 13 किस्तों में लौटाते हैं तो किस्तें बराबर होनी जरूरी हैं। मैं इनको बराबर करता तो बराबर कैसे करता, अरे बराबर करने की तरकीब बता दी कि यहाँ 13 गुणा 13 है तो यहाँ भी 13 गुणा 13, तो इधर 13 से गुणा करूंगा तो इधर भी किससे गुणा करूंगा 13 से। अब ये किस्तों जैसा मामला बन गया ऑटोमेटिक ही। अब आप कहेंगे सर ये 169 बनेगा, तो ये भी क्या बन गया 169, 12 को 13 से गुणा करते हैं तो 156 हो गया, और 12 गुणा 12 कितना होता है। अब कोई कहे कि इसमें देय राशि कितनी है और किस्तों के थ्रू कितनी दी आपने, ली कितनी, तो वो बता सकते हैं कि 144 इनको जोड़ेंगे तो ये तो जीरो बनता, फिर जीरो, और ये कितना 300 रुपए तो आपने लिए और दिए कितने, अरे 9 और 9 18 वैसे जोड़ लो डायरेक्ट 160 160 तो 16 2 32 320 होता है, और 18 और कितना हो जाता 338। तो कोई ये कहे ब्याज बताओ तो ब्याज कितना रुपया हो गया 38। अब मान लो कोई ये कहे देखिए ब्याज इतना था 3800 रुपया था, ब्याज 3800 बता देता कहीं पर तो इन सारों की भी जीरो लग जाती कि नहीं, उस हिसाब से बांट देते हैं इनको, वो तो बांटेंगे अभी अभी सीख रहे हैं कि ऐसे दर को कैसे लगाते हैं दो किस्तों में तीन किस्तों में। अब जैसे कोई पर्सन आएगा तो कैसे आएगा, पर्सन 2-5 तरीके से आएंगे, वो मैं दिखाऊंगा 8-10 पर्सन आपको कि भाई कैसे कैसे आ सकते हैं आपके पास में। ऐसे आ गया पर्सन
कि 6800 रुपए तो आपने उधार लिए हैं, जिनको किस्तों के रूप में आपको लौटाना है। दो समान वार्षिक किस्त लौटानी है। किस्त कितनी करनी है? दो किस्त करनी है। ब्याज की वार्षिक संयोजित दर है वो कितने परसेंट है? 12.5%। अब 12.5% की दो किस्तें मैं बना सकता हूं आराम से और खटाक से बना सकता हूं। वो कैसे बताओ? दर को मैं क्या लिखता है इसको? 12 2 24, 25/2 और परसेंट का 100। 25/200 है ये अनुपात, बढ़ाऊ मैं इसका तो ये 25 काटेगा तो इसको 4 बार काटता है। 25 2 0 को 4 बार काटता है तो 1/8 हो गया। 1/8 का मतलब है 8 रुपए का ब्याज कितना बन गया? 1 रुपया। तो यदि आप किसी से 8 रुपया लाओगे तो लौटाओगे कितना? 9। तो 9 की किस्त लौटा दो, ऐसे समझ लो उसको। फिर दो किस्तों में लौटानी है तो अगली किस्त को मानोगे 8×8 = 9×9। ये समझ पाए होंगे आप मैं क्या समझाना चाहता हूं। ये जिसको बनाना आता है वो ऐसे प्रश्नों को विदाउट यूजिंग पेन पेपर सूत्रों के बगैर वैसे कर सकता है कि वो ज्यादा उल्टे सीधे मेथड भी नहीं लगाए कर पाए। अब आप कहेंगे सर किस्तें होती हैं वो हमेशा समान रूप से लौटाई जाती हैं, यानी पहली किस्त जितने की होती है उतनी दूसरी होती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 9×9 है, यहाँ 9 ही रह गया तो इसको भी 9×9 बनाओ। तो इस किस्त को बराबर करना है, किस्त इधर वाली है इसको बराबर करना है, इसको बराबर नहीं करना, इधर वाले को बराबर करना है। तो आप कहेंगे सर ये 9×9 है, ये भी 9×9 है, तो अब इसको मैं 9×9 बना रहा हूं तो इधर किस से और गुणा करना? 9 से। अब इन सारों को देख लेना। अब इसमें एक चीज दी गई है, ये कौन सी चीज है? उधार ली गई राशि। तो उधार ली गई राशि में किसको सोल्व करोगे? इधर वाली चीज को सोल्व करेंगे, इधर वाली तो चाहिए ही नहीं अपने को। अरे इधर को भी कर सकते हो, 81 81, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। बताओ उधार कितना लिया? 9×72 तो ये हो गया, और 8×64, इन दोनों को जोड़ दो आप, वो उधार की राशि हो गई। उधार की राशि कितनी हो गई? अब ये चाहिए नहीं मुझे, चाहिए तो आप सोल्व कर लो। 81 81, अरे 81 81 है, ये कितना हो जाता? कहीं ब्याज चाहिए तो ब्याज निकाल लो, नहीं चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप निकाले ही नहीं। जो चीज नहीं चाहिए उसका गुणा भाग क्यों करें आप? परीक्षा में टाइम वेस्ट होगा। अब आप मुझे बताओ 36 रुपए को उसने कितना, 136 को कितना बता रखा है उसने? तो बस अब प्रश्न समाप्त हो गया, आपको कुछ नहीं करना। आप जितना ये अनुपात निकाले हो उसकी तुलना कर दो। 136 की तुलना किससे कर दोगे? 6800 रुपए से। कि इसको वो परीक्षा वाला क्या कहता है? 6800 रुपए कहता है। तो बताओ 68 का पाड़ा आता होगा, 68 का पाड़ा दो बार बोलते हो तो ये आ जाता है। अरे 60 दुआ 8 दुआ 60 दुआ तो 120 होता है, 8 दुआ 16, ऐसे काटने पे भी ध्यान दिया करो। 2 बराबर क्या हो गया? 100। कहीं 2 से 4 से ही काटते, फिर 68 से ही उड़ा दिया करो डायरेक्ट उधर। पाड़ा देखने आंखों से दिखने में लखन दिख रहे हैं इसमें। 1 बराबर कितना हो गया? 50। अब देखो मुझे चाहिए क्या, चाहिए क्या? प्रत्येक किस्त की राशि। तो किस्त को क्या मान रखा है? 9×9 = 81। तो मुझे क्या चाहिए? 81। तो इस 50 को किससे गुणा कर दो? 81 से। 1 को 50 कहते हैं तो 81 को कहेंगे 81×50। तो 81×50 आप जानते हो, 50 50 के नोट यदि 81 हो तो दो नोटों में 100 बनता है, तो आधा कर दो इसका। अरे 80 नोटों में 4000 होता कि नहीं, और 81 नोटों में 4050 आ जाता। बोलो ये उत्तर हो जाता कि नहीं? ध्यान से देखना, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज दोनों की किस्तें आसान होती हैं यदि आप गणना पे ध्यान देंगे तो। सूत्रों से करने जाएंगे तो ऐसे मान लो बहुत समस्या है दोनों में, हमें ही समस्या आती है। अरे आप तो बात की बात है, आपकी गणना का स्टैंडर्ड हमारी गणना का स्टैंडर्ड में काफी फर्क है, प्रैक्टिस का भी काफी फर्क है। तो सूत्र में डाल के रोड़ोगे चक्रवर्ती ब्याज की जब भी किस्त आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये गुणात्मक वर्दी का अनुपात लगा लो। अनुपातों में फिर जो किस्त की तरफ की राशि है उसको क्या कर लो? बराबर। बराबर कैसे करते हैं? उन अनुपातों को सेम चीज से गुणा कर करा के बराबर कर लो। फिर बराबर करने के बाद उसमें कुछ दिया रखा होता है उसकी तुलना कर दो। फिर से देखिए चीजों को, कहीं भी मेरे पास ऐसे आ जाता प्रश्न, अब उसमें भाषावसा का ध्यान रखिएगा, प्रश्न में कोई भी भाषा हो सकती है, कैसी भी तरीके से दी हुई हो सकती है। पहली बात तो आप बताओ दो समान किस्तें होंगी कि नहीं?
इसमें चुकाया जाएगा। तो अर्धवार्षिक किस्तों में चुकता किया जाना है, तो आप कहेंगे सर चक्रवर्ती ब्याज का मामला हो, दो किस्तें बनानी है अपने को। पहली बात तो ये टोटल ऋण है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 6800 रुपया था, वैसे इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, 8925 रुपया आपको गिविन है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, लेकिन 8% प्रतिवर्ष की दर लगती है, तो अर्धवार्षिक में ये दर 4% ही लगेगी। अरे वार्षिक लिख रखा है यहाँ, क्या लिख रखा है, 8% वर्ष के हिसाब से लगती है, अर्धवार्षिक रूप से दे है ब्याज, तो फिर दर को आधा करेंगे कि नहीं, तो दर लगेगी 4%, 4% के अनुपात बनाएंगे। उधर अनुपात बताए थे मैंने कि कैसे बनाते हैं, ये है 4/100, 4/100 को काटेंगे तो 1/25, यानी 25 रुपए का 6 महीने का ब्याज 1 रुपया बनेगा, तो पहले 6 महीने की जो किस्त बनेगी वो 25 रुपए लाओगे रे तो कितने चुकाने पड़ेंगे, 26। ये गुणात्मक वृद्धि करता है, तो 25 × 25 अगले 6 महीने में हो जाएगा, तो ये 26 × 26 हो जाएगा। ये समझ गए होंगे, हम ये भी समझ गए कि किस्तों की राशि इधर वाली है, इन किस्तों की राशि को क्या करेंगे, बराबर। तो अनुपात को बराबर कर रहा हूं मैं, अनुपात को बराबर कैसे करते हैं वो समझ लें आप, कि यहाँ 26 × 26 है, तो यहाँ भी 26 × 26 ही बनाएं, तो 1/26 से गुणा कर दें, लेकिन एक ही तरफ नहीं कर दें गुणा, दोनों तरफ करना आवश्यक है, क्योंकि अनुपातों में अपनी मनमर्जी से थोड़ी गुणा कर सकते हो, नियम के अनुसार ही कर सकते हो कि दाएं पक्ष को 26 से गुणा करो तो बाएं पक्ष को भी करें। चलिए साहब, अब देखो मुझे क्या दिया गया है, मुझे ऋण की टोटल राशि दी गई है, तो ऋण की राशि होती है इधर वाली, तो मुझे इसका टोटल कर लेना है इधर वाले का, और फिर किस्त की राशि चाहिए, तो किस्त के लिए तो 26 × 26 चाहिए मुझे। तो अब मुझे आप ये बताइए, इधर 25 × 26 कितना होता है, 25 को 25 से गुणा करते हैं तो 625 होता है, वो तो आपने याद ही कर रखा है वर्गों में, और एक बार 25 और, तो ये 600 कितना बनेगा, 50, और ये 600 कितना बनेगा, 25, यानी ये 1275 बनेगा, कितना बना। इधर वाले की जरूरत हो तो निकालें, नहीं जरूरत हो तो गुणा भाग करने में टाइम वेस्ट नहीं करें आप अपना जोड़ने मेरे से। अब आप कहेंगे सर 1275 को परीक्षा वाले ने कितना दे रखा है, 8925 दे रखा है, बोलो दे रखा है कि नहीं। चलो तो अब मैं इसे काटता हूं, काटने में 25 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 25 का पहाड़ा आता होगा इतना कि 25 पंजे होता है सर, ये फिर 2 बचेगा, फिर कितना, 1 बार 51 बार कट जाएगा ये 25 से, इधर 25 से काटूंगा तो 25 × 75 होता है, फिर 14 बचेगा, फिर 25 × 25 125 हो जाएगा, और ये 142 हो गया था, उसमें से 17 × 75 तो 25 × 97 हो जाएगा, 357 बार कटेगा कि नहीं। फिर देखो 51 3 से भी कटता है, 17 से भी कटता है, यदि आप जानते हो कि सर हम 17 से काटते हैं, 17 × 51 और 17 × 2 = 34 और 1 = 4 17 × 1 = 17 21 बार, और ये 1 से कितने बार, 7 बार। मैंने कई बार ये भी कहा है कि कुछ समझदार आदमी 1200 का पाड़ा बोल के 89 को लगभग वैसे भी काट लेते कि 12 × 7 = 84 7 बार तो वैसे ही कटेगा, 1200 से ही कटता 8400, और आगे जो बच रहा है 525 तो 525 × 75 संते जानते हैं, 7 × 7 = 49 490 25 और तो कट जाता 7 बार पूरा ही। कुछ बच्चों को डायरेक्ट यहाँ से 1275 का पाड़ा बोलते बोलते भी काट देते हैं, नहीं काट देते, ये 1300 से कुछ ही कम है, तो 13/7 = 9100 से कुछ ही कम है, ये देखे देखो लगभग 7 बार कटेगा। अब क्या ही करना था, 7 × 1 = 7 है, कितने बराबर चाहिए, किस्त की राशि, किस्त को क्या मान रखा है आपने, 26 × 1 किस्त की राशि चाहिए दोनों की नहीं, तो मुझे 26 × 26 चाहिए, तो 26 × 26 तो मैं जानता ही हूँ, और उसको कितने से गुणा कर दूंगा, 26 मैंने बताए थे 32 तक के वर्ग आप हर समय याद रखें, तो 26 × 26 कितना होता है, 676 और 676 का 7 गुणा कर दें, 7 × 6 = 42 लास्ट में 2 आएगा, और ये नहीं देखा
अरे दो आएगा, फिर सातो सातो गुणन चार, और दो कितना हो जाएगा वो चार, हासिल थी तो 53 का 3 हो जाएगा, तो 32 लास्ट में आएगा कि नहीं, ये गुणा करने से आ जाता, वो आप देख लें। थोड़ा सा समझ गए होंगे कि वो अर्धवार्षिक दे तो कैसे आपको किस्तों में लगाना है, वो अनुपात कैसे बढ़ाना है और इसकी तुलना कैसे करनी है। और ऐसे मान लो तुक्का सा भी लगाना हो, तो देखो ये जो सारा प्रोसेस अपन ने करा है उसमें ये किस्तें तो पता चली थी अपन ने कि भाई कितना लौटाएगा। अरे 25 का 26 लौटाएगा, तो किस्त ऐसी आएगी जिसमें 26 का भाग चला जाए। अरे किस्त कैसी आएगी जिसमें 26 का भाग चला जाए, ऐसी किस्त बनने की संभावना प्रबल है कि नहीं। किस्त का मान ऐसा आएगा, किसी को ऐसे आइडिया भी लगाना हो कि भाई मैं इन चार ऑप्शनों में से चूज कैसे करूं। ऐसे मान लो मुझे कुछ ही नहीं आ रहा, बैठा बैठा कुछ कर रहा हूं, तो उसमें क्या करूं, तो वो इस किस्त की राशि पूछे तो 26 का इसमें, अब 26 में दो का भाग जाता है पूरा पूरा, 13 का जाता है, तो दो का भाग तो सारों में ही जा रहा है। 13 का चेक कर लो, जैसे मान लो मैं इस ऑप्शन को करता 13 से, तो 13 तिगुणी 39, फिर कितना बचता 47, फिर 13 तिगुणी 39, फिर 8 बन जाता 82, नहीं जाता तो ये उत्तर नहीं आता। मैं इसमें 13 का भाग देता तो 13 तिगुणी 39, 6 बचता, 13 पंजे 65, 14 बचता, नहीं जाता, तो इनके आने की संभावना क्या थी, नगण्य थी। मैं इसमें 13 का भाग देता फिर 13 तिगुणी 39 कितना बचता 7, 13 पंजे 65, फिर 104, इसमें जा रहा है तो इनमें से संभावना बढ़ती। फिर मैं 26 का ही दे के देख लेता, 26 का भी दोनों में ही जा रहा है, 13 का 2 का जाएगा उसमें 26 का भी जाएगा। तो समझ गए, कुछ ऑप्शन ऐसे आपको एलिमिनेट करने हो तो कुछ कर सकते हैं, बाकी मैं ये कहता हूँ पहले तो ये अनुपात ही बनाना आना चाहिए। कुछ जगह भाग देने से भी काम चल जाता है, लेकिन वो काम नहीं चलाएं आप शुरू शुरू में, तो आदत ही ऐसी डाल लें कि भाई किस्त की राशि कैसे बनाई जाती है। ध्यान दें, चक्रवृद्धि ब्याज का जब भी क्वेश्चन आपके पास में आ जाए परीक्षा में, तो वहां किस्तों की राशि या देय राशि वो कैसे पता करी जाती है। सबसे पहले तो ऋण कितने रुपए का है, 2550 रुपए का ऋण है, और उसको हम दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकता करना चाहते हैं, 6-6 महीने के किस्तों में। अर्धवार्षिक ब्याज की दर है, लेकिन ये 8% तो क्या थी, वार्षिक दर थी। तो आप ये कहेंगे कि सर अर्धवार्षिक दर हम लिखेंगे तो 4% अर्धवार्षिक लिखेंगे रे यहां, ये समझ गए 4% कैसे लिखा मैंने। 4% अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, ये 4/100 के हिसाब से है, और 25 रुपए का 1 रुपया ब्याज मिलना है, यानी 25 रुपए लेओगे तो किस्त कितने की लौटानी पड़ेगी, 26 की। ये पहली किस्त, दो किस्तें बनानी है, इधर 25 × 25 कर दो और इधर 26 × 26 कर दो। मैंने कहा किस्तों की राशि को बराबर कर दो, तो आप किस्तों की राशि को बराबर करेंगे तो इधर वाले पोर्शन को बराबर करेंगे, तो यहाँ 1/26 से मैं और गुणा कर देता, अनुपात लगा लेता, मुझे ये ऋण राशि पता करनी है। इधर वाली तो किस्त ही चाहिए, तो 26 × 26 ही चाहिए मुझे, तो इधर वाली 625 और 650, 1200 कितना बनता, 75, 1275 पिछले पर्सन की तरह 2500 किसके बराबर कर देते, 50 के। क्या ये इसका डबल है क्या, अरे ये इसका एग्जैक्ट डबल है क्या, देख लो अब तो आके पढ़ो। अरे 1200 का डबल तो 2400, और 75 का डबल होता है 150, तो ये 2 बार काटेगा, ऐसे डायरेक्ट काट दें परीक्षा में, वो थोड़ा सा आनंद की बात है। अब आप कहेंगे सर एक को दो कहते हो ना, तो किस्त की राशि बनानी है तो 26 × 26 को क्या कहेंगे ये बताना है, तो एक को दो कहते हैं वो तो किस्त देनी है 26 × 26 की, तो 26 × 26 को किससे गुणा कर दो, 2 से, 26 × 26 होता है 676, 676 का क्या कर दो डबल, तो कितना आ जाता 1300। अरे 700 में थोड़ा कम है, 700 में से 24 कम है, तो 1400 में से 48 कम आएगा, तो 1300 समथिंग आएगा, तो कोई वैसे आइडिया लगा देता 1300 समथिंग एक ही है ऑप्शन में,
इकाई का अंक देख लो, इकाई अंक में लास्ट में 6 2 12 दो आएगा, 6 2 12 दो ही आएगा लास्ट में, तो एक ही ऑप्शन क्या आ रहा है, दो। मैंने ये भी समझाया था गणना देखा करो, गणना करने से पहले परीक्षा में ध्यान रखना अवश्य हो जाता है, घर तो आप कैसे भी कर लो, परीक्षा में मान लो पूरे को बगैर गुणा करे उत्तर आ रहा है तो लगाओ उसको, वरना मरोगे तुम, टाइम ही नहीं मिलेगा। अब तुम क्या करते हो, 10 गुणा 11 भी आ जाता है तो ऊपर नीचे लिख लेते हो, गुणा करने में फुल मजे लेते हो परीक्षा के फुल, फिर परीक्षा खत्म होते ही तुम्हारी तरफ करती है परीक्षा, और सुना पेपर खत्म होते ही तुम्हें नहीं लगता कि पेपर तुम्हारी तरफ ऐसे कर रहा है, और बोल योद्धा बन रहा था कि नहीं, तू नहीं करता ऐसे, करता है देखो देख। अब देखो लिख कैसे भी सकता है, CHSL में एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए, अब देखो ये अब की बार देखो पर्सन को बदल दिया है कंप्लीटली, अब की बार ऋण नहीं दिया है किस्त दी है, 70 में इसलिए उलट जाते हो आप, अब की बार 3025 रुपए की दो किस्तें प्रत्येक समान है, मतलब 3025 की पहली किस्त, 3025 की दूसरी किस्त लौटाई है, मतलब यदि ब्याज की दर क्या है 10% और ब्याज वार्षिकी है तो 10% को 10% ही रखना है, अर्धवार्षिक होता वो वार्षिक देरी होती और अर्धवार्षिक होता तो मैं आधी करता उसको, वार्षिक दर है तो आप कहेंगे सर आर बराबर 10% ही लिखना है, 10% का अनुपात बनाऊंगा तो 10/100 लिखूंगा, इसको 1/10 लिख दूंगा, यानी हम 10 रुपए पहली किस्त में लेंगे तो देना कितना पड़ेगा 11, यदि हम दूसरी किस्त में 10 रुपए 10 गुणा 10 करेंगे क्योंकि गुणात्मक वृद्धि होती है चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न है तो, और ये 11 गुणा 11, फिर हमने ऐसे पढ़ा कि किस्तों की राशि बराबर होती है तो किस्त वाले एरिया को आप बराबर करेंगे उसमें, तो किस्त वाला एरिया कैसे बराबर होता है वो देखो, ये 11 गुणा 11 है तो मैं इसको भी क्या कर देता 11 गुणा 11 किस्तों को बराबर बनाता, तो उधर वाला बताओ उधर वाले को किस से गुणा करता 11 से, एक मुझे उधार ली गई राशि ज्ञात करनी है तो ज्ञात क्या करना है मुझे, ये सारा इलाका दे क्या रखा है मुझे, केवल ये 11 गुणा 11 ही दे रखा है, इधर कुछ नहीं करें, इधर का जोड़ा जाती नहीं करें कुछ भी। अब आप मुझे बताओ ये जो दे रखा है 3025 है वो इनमें से किसके बराबर करूं मैं, इस 11 गुणा 11 के 121 भी मत लिखो, गधे होते हैं जो 121 लिखते हैं इसको, क्यों 121 को गुणा करके फिर वापस से काटोगे, अरे ये बगैर गुणा करे नहीं कट सकता कहे, 11 2 22 फिर 8 बचा 11 7 77 फिर 5 बचा फिर 11 से वापस से काटा 11 2 22 5 1 बराबर कितना आ गया, ये बगैर गुणा करे नहीं कटा। अब बताओ मजदूरों का काम क्या होता है, 11 गुणा 11 करेंगे फिर उसको लिखेंगे फिर वापस से काट के फिर 11 ही बनाएंगे, क्यों 11 से काटेंगे फिर वो 11 ही वापस बन जाएगा, फिर 11 और बनाएंगे, 1 बराबर 25 होता हो तो क्या पूछा गया है, तो बताओ राशि टोटल कितनी से टोटल कर लो, 10 गुणा 10 तो 100 होता है, 110 और 110 डायरेक्ट ही जोड़ रहा हूं मैं, यहां 110 हो गया है, ये 110 हो गया था और ये कितना 100, 110 में 100 जोड़ता हूं तो 210 बनता है, तो मैं 210 बराबर बनाना चाहूं तो 210 को किससे गुणा कर देना 25 से, तो बताओ 0 तो आनी आनी है और फिर 25 एकम 25 0 के बाद में क्या आना है, अरे 25 एकम 2 आना है, फिर 25 2 50 और 2 कितना हो जाता 5250 मेरा राइट आंसर हो जाता। कभी कभार आती हैं किस्तों के क्वेश्चन, इतने थोक से नहीं आते हैं, थोक से तो कौन से प्रश्न आएंगे, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज, कभी कभार वो किस्तों का टहला देता है, किला बता भाई किस्त बना के बताई इसकी, थोड़ी थोड़ी बनानी आ गई होंगी कि भाई कैसे देख रहा हूं मैं, बगैर सूत्र फ्री बनाए तो ऐसे ही बनाए उसका अनुपात, क्योंकि
चक्रवर्ती ब्याज गुणात्मक वृद्धि करता है, तो गुणात्मक रेशियो बनाना हमने पहले चैप्टर में भी सीखा है, इससे पहले वाले चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्न पढ़े हैं उसमें। ऐसे आ गया, कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्रतिवर्ष के हिसाब से दी गई है, जिसमें किस्तें कितनी बनी है, प्रति किस्त कितनी बनी है, 17,640 रुपए की एक किस्त है, तो ऐसी दो समान किस्तें चुकाई जाती हैं, तो दो किस्तों में मुझे इस मटेरियल को सोल्व करना है, दो किस्तों में। फिर आप कहेंगे उधार ली गई राशि कितनी थी, तो मैं 5% दर से अनुपात बना देता कि नहीं, 5% दर का अनुपात कैसे बनाऊंगा, 5/100 करूंगा, 1/ कितना होगा 20, यानी साला 20 रुपया आप किसी से लेओगे तो लौटाओगे कितना 21, दूसरी किस्त में गुणात्मक वृद्धि, तो 20 × 20 आप लेओगे तो लौटाओगे कितना 21 × 21, ये गुणात्मक वृद्धि समझ में आती है, इतना तो डायरेक्ट लिख दें। अब हम ये समझते हैं इधर वाली किस्त है, तो किस्त की राशि को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, तो 21 × 21 को मैं ऊपर भी बराबर करना चाहूं तो फिर मुझे दोनों जगह ही 21 × 21 करना पड़ेगा, तो अनुपातों को बदलूं तो इधर 21 से गुणा करूं तो इधर भी 21 से गुणा कर दूं। अब हो गया ये किस्तों के लखनऊ में हो गया कि नहीं, तो राशि ढूंढनी है तो इन सारों का टोटल कर लो, और किस्त ढूंढनी है तो अकेली किस्त ये है, दोनों किस्त दोनों को जोड़ने से आएंगे। अब मुझे आप बताओ क्या दे रखा है उसने, किस्त दे रखी है, तो किसके बराबर करूं उसको 21 × 21 के, अरे प्रत्येक किस्त है कि नहीं है, प्रति किस्त, तो मैं 21 × 21 के बराबर किसे कर दूंगा 17,600। अब इसको देखो 441 बना लेना, मूर्खता है, मूर्खता क्यों है, इसको काट लूंगा मैं वैसे ही बगैर गुणा करे ही, तो आप 21 का पढ़ा आता है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना 7 से काटो तो 21 का पढ़ा आता होगा, 20 का पढ़ा, अरे 1 का पढ़ा होता है, 21 से भी काटे दो, कोशिश करो थोड़ी थोड़ी की 21 से ही काट लो, आप साहस तो दिखाए, 21 × 21, तो यहाँ 21 का 20 का पढ़ा 6 बार बोलता हूं तो 120 आता है, 7 बार में 140 आता है, 8 बार में कितना आता है 160 आता है, 160 8 बार हो रहेगा 168 आएगा, 21 में 1 का पढ़ा भी तो चलेगा उसके आगे 8 बार, तो 168 में 8 बच गया, फिर 84 बताओ 840 बार कट गया, थोड़ी सी हिम्मत करे दो, वरना 7 से काट लो 3 से काट लो, 21 × 84 तो 1 बराबर आ गया 40, आराम हो गया। अब तो अब आपको राशि बतानी है, उधार ली गई राशि ये गोले में लिखी हुई है वो है, इनका टोटल कर लो, आप टोटल करोगे तो 20 × 41 हो जाएगा, 20 × 41, अरे 20 कॉमन ले सकते हो और 20 + 21 कर सकते हो, या 20 × 21 तो कितना होता है 420, और ये कितना होता है 400, तो टोटल करेंगे तो 400 और 420 कितना हो गया 820, 820 का पता करना है, तो मैं 820 कैसे निकालूंगा, 820 को कितने से गुणा करूंगा 40 से, 1 = 40 हो तो 820 बराबर निकालना है मुझे, तो अब आप कहेंगे सर 2 जीरो आ जाएंगी और जीरो के बाद में क्या आना है 8 आना है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 32,800 रुपए टोटल रकम उसने उधार ली थी, और कोई ये पूछे लौटाई कितनी, तो 21 × 21 दोनों को जोड़ते फिर उसको 40 से गुणा करते, ब्याज कितना लगा कोई ये कह देता तो इन दोनों को जोड़ते फिर वो अंतर करते, वो अंतर निकालते, जो भी पूछे वो बताना आना चाहिए फिर तो। ज्यादातर ये पूछता है कि टोटल राशि देके किस्त पूछता है, कभी किस्त देके राशि पूछता है, कभी ब्याज भी पूछ लेगा, और क्या ही होगा, चक्रवर्ती ब्याज का ये अनुपात लगाना आता है तो किस्तों का मटेरियल ज्यादातर आता है, ये अनुपात लगाना नहीं आता है तो फिर थोड़े से अटक अटक के सांसे चलेंगी, फिर अनुपात लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, नहीं लगाओ ऐसे आ गई मेरे पास 5,808 रुपए की किस्त है, ये किस्त की राशि है, दो वार्षिक किस्तों में लौटाया जाता है, 5,808 रुपए की पहली किस्त, 5,808
रुपए की दूसरी किस्त, ब्याज की दर 10% के हिसाब से होगी, वार्षिक किस्तों में लौटाना है। तो कोई आदिवादी नहीं करनी है, अर्धवार्षिक और द्वार्षिक की वर्डों का ध्यान रखें। कुल राशि कितनी है, तो 10% को मैं डायरेक्ट ही लगा देता हूं, 10 का 11 होता है। अरे 10% में 10/100 और ये क्या लिखोगे, अब तो डायरेक्ट ही लिख दो 10%, 10/100 होता है, 10 से 10 कट जाएगी, 1/10, 10 रुपए लाओ, 11 रुपए लौटाओ। फिर सेकंड ईयर में गुणात्मक वृद्धि करता है, 10 गुणा 10 लाओ और 11 गुणा 11 लौटाओ। ये दो किस्तों में मैंने वार्षिक वृद्धि गुणात्मक वृद्धि दर दर्शा दी। अब आप कहेंगे कि सर इसमें आप ऐसा कीजिए, किस्तें बराबर होती हैं तो 11 गुणा 11, तो यहां भी मैं 11 गुणा 11 कर देता हूं, तो इधर भी राजी खुशी मैं 11 से गुणा कर देता हूं। अब आपसे कोई ये कहे कि किस्त की राशि कितनी है, 58,08 है, तो किसके बराबर कर दो उसको, 11 गुणा 11 के बराबर 58,08 कर दो। टोटल राशि चाहिए तो टोटल राशि देखो, 110 तो यहाँ हो गया, 100 यहाँ हो गया, 210 चाहिए। 11 गुणा 11 बराबर इतना है, 210 बराबर कितना है, ये परीक्षा वाले ने मांगा है। अब आप गणना करके फटाक से निकाल दें। आप कहेंगे सर 11 गुणा 11 हमें दिख जाता है, तो हम गुणा ना करके इसे वापस से काटेंगे, 11 5 55, फिर 3 बचेगा, 11 2 22, फिर 8 बचेगा, 528 बार। फिर मैं 11 से काटूंगा, 11 4 44, फिर 8 बचेगा, और 11 8 88, 1 बराबर कितना बच गया, 48। तो 210 बराबर कितना आएगा, 210 को 48 से गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर 0 आएगा, 0 के बाद में 8 आएगा, 0 के बाद में 8 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, 0 के बाद 8। पूरा गुणा तभी करें जब आवश्यकता हो। मैंने इकाई अंक में पढ़ाया था, मूलांक उलांक पढ़ाए थे पहले, आपने यदि गौर से उन बातों को सुना है तो उनको गणना में यूज लें। बार बार मैं बोल नहीं सकता हर जगह पे, क्योंकि एक एक प्रश्न में सारी सारी बातें हम मैं बोल नहीं सकता। क्या होगा, कैसे निकाल रहा हूं मैं इनको, चक्रवर्ती ब्याज की किस्तों में ये खटाक से लगाने आने चाहिए जो चीजें अपन लगा पा रहे हैं। अब की बार देखो, कुल ब्याज पूछ लिया अगले ने, दर क्या है, 10% में 10 लाओ और 11 लौटाओ, 10 11, यानी 1/10 होता है, उसको हल करें तो। तो अब आप दो किस्तें बना दो ऐसे खटाक से, समझदार आदमी है सही लिखता, 10 गुणा 11, 10 गुणा 10 और 11 गुणा 11, फटाक से यहाँ 11 से गुणा, यहाँ 11 से गुणा, फिर इधर वाली जो राशि बनती वो कितनी बन जाती, 110, ये बन जाता 100, तो लाना कितना, 210 तो लिए थे, लौटाए कितने, 11 गुणा 11, 121, 242। समझ गए होंगे, क्योंकि अभी इधर वाला भी चाहिए, क्योंकि अगले ने क्या पूछा है, ब्याज, तो इधर वाला मुझे पता चलेगा कि ये 210 था, ये 242, तभी तो ब्याज का पता चलेगा। तो अब आप कहेंगे सर ब्याज है वो 32 का अनुपात हो गया, अरे ब्याज 32 हो गया कि नहीं, निकालना 32 है, दिया गया क्या है वो देखो, दिया गया क्या है मुझे, प्रत्येक किस्त, प्रत्येक किस्त का मतलब होता है 11 गुणा 11। तो आप कहेंगे सर 11 गुणा 11 तो दिया हुआ है हमें 6897, और चाहिए क्या मुझे 32, यानी 11 गुणा 11 से इसको काट लें और 32 से गुणा कर दें, आंसर आ जाएगा। चलो तो अब मैं काटता हूं इनको। अब आप कहेंगे सर 11 से काटो, 11 6 66 होता है, फिर 2 बचेगा, 11 2 22 होगा, फिर 7 बार, ये तो कट जाएगा 11 से, अगेन 11 से 11 5 55, 7, तो 1 बराबर क्या होगा, तो 32 बराबर होगा, 32 गुणा 57, तो 7 2 14, लास्ट में 4 तो पूरी दुनिया के ही बन रहे, तो 57 का पढ़ा ही बोल देता हूं मैं, 2 बार 114 होता है, 57 2। अरे देखो 32 का पढ़ा तो 7 बार बोलना पड़ेगा, लेकिन 57 का तो 2 बार ही बोलना पड़ेगा, उल्टा बोलो उधर से, 114 में 11 सिलो गई, फिर 57 दिया होता है 121, 171, 171 और 11 वो कितना हो गया, 11 नहीं जानते कौन सा उत्तर आ जाता, 1824 रुपया मेरा आंसर हो जाता। समझ पाए होंगे, ब्याज पूछे तो क्या पक्के आना है, किस्त की राशि पूछे तो क्या पक्के आना है, और चक्रवर्ती ब्याज की किस्तें हो तो ये कैसे लगाना है, ये अनुपात ज्यादा जरूरी बात है कि ये मामला सुलझाना आना चाहिए, उधर तो वो एक एक नियम जैसी बातें हैं कि 1 बराबर इतना तो 2 बराबर कितना, छोटी छोटी बातें हैं।
करती है। चलो तो देख, कितनी किस्तों में लौटाना है? चक्रवृद्धि ब्याज होंगी तो दो किस्त तीन किस्त, दो किस्त तीन किस्त ज्यादा होंगी आपके पास में। दो समान वार्षिक किस्तें हैं, पहली किस्त और दूसरी किस्त। 10% से लौटाना आ ही गया है आपको, 10% की तो तुरंत से बनानी आनी चाहिए किस्त। 10% में 10 लाओ, 11 लौटाओ, 10 गुणा 10 गुणात्मक वृद्धि होती है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो गुणात्मक करते जाओ इनको 11 गुणा 11। फिर इनको बराबर करो, बराबर करने में क्या करना होता है, इसको 11 से और गुणा कर दो, इसको 11 से गुणा कर दो, यहाँ 110 बन गया, यहाँ 100 बन गया, तो लाया कितना होगा, 210 लाया होगा और 242 लौटाया होगा। कुल ब्याज पूछा था उसने, तो ब्याज के लिए मुझे 32 निकालना है, 32 निकालना है। ब्याज हो गया 32, इंटरेस्ट हो गया 32। तो बताओ किस्त की राशि दे रखी है, प्रत्येक किस्त है 3872 रुपए की, तो 11 गुणा 11 के बराबर कर दो। आप कहेंगे सर 11 गुणा 11 बराबर 3800 क्या हो गया, 72, 3872 को 11 गुणा 11 से काटेंगे तो 1 बराबर आएगा, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 2, फिर 11 तिया 33, फिर 2, 1 बराबर 32 होगा, तो 32 बराबर होगा 32 गुणा 32। 32 गुणा 32 आपने डायरेक्ट भी याद कर रखा है या लास्ट में 4 आएगा? 32 तक के वर्ग मैंने कई बार कह दिया कि आपको डायरेक्ट ही याद होने चाहिए। दिख गए कैसे बांट रहा हूं मैं इसको? 10% की तो याद ही हो जानी चाहिए कि 10 का 11 और 100 का 121, और 121 121 बनाएंगे तो ऊपर 110 और 121, तो इधर 210 बनेगा और इधर 242 बनेगा और 32 रुपया ब्याज बनेगा। दो किस्तों में तो 10% डायरेक्ट आना चाहिए, तीन में भी आना चाहिए 10%, तो इजी माप है। मतलब देखे देखो इसमें 10% है तो मैं डायरेक्ट ही कर देता। देखो देखो क्या कह रहा है, 19,650 रुपये नगद दे देते आप तो किस्तें देनी ही नहीं पड़ती। लेकिन उसने क्या कहा है, 3100 रुपये तो नगद दे दिए, जैसे आप किस्तों में चुकाएं, मान लो किस्तों में चुकाएं, एक साथ दे दें तो आपको 19,650 एक बार में ही मुंड में फोड़ दो, खत्म बात। पर्सन कह रहा है कि उसने यदि किस्तों को चुनाव करता है, किस्तों का चुनाव करता है, तो 3100 रुपये तो उसको कैश देने पड़ेंगे कि नहीं भाई 3100 तो तू अभी दे, शुरुआत में ही दे 3100 रुपये, तो फिर बाकी कितने रुपए बच गए रहे, 19,650 में 3100 रुपये आपने कैश दे दिए, तो 16,550 रुपये इनकी किस्त बनवाएगा कि नहीं, इनकी, और इनकी भी कितनी किस्त बनाएगा, तीन, तीनों किस्त बराबर बराबर बनवाएगा। और ब्याज की दर कितनी दी है, 10%, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या दी जानी है वो आपसे पूछी गई है, तो अपन किस्त वैसे अनुपात में लगाएंगे, लेकिन अब 19,650 का नहीं बनाएंगे, किसका बनाएंगे, 16,550 है इसका बनाएंगे। चलो तो आप ये कहेंगे कि सर तीन किस्तें हम बनाते हैं, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में 10% का मतलब होता है 10/100, यानी 1 बटा कितना, 10 10 रुपए लाओगे तो 11 रुपए अगले को लौटा क्या होगे, तो 10 अनुपात 11 में फिर गुणात्मक वृद्धि होती है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हो तो ये 10 गुणा 10 तो वो 11 गुणा 11, फिर इधर 10 3 बार, तीसरे वर्ष में 3 बार, उधर 11 3 बार। आप कहेंगे सर किस्तों में लौटाते हैं तो हम ये जानते हैं किस्तों की राशि बराबर होनी चाहिए, यहाँ 11 गुणा 11 गुणा 11 है तो यहाँ भी 11 गुणा 11 गुणा 11, आप 11 से और गुणा करें, इधर 11 से गुणा करें तो इधर भी 11 से गुणा करें, फिर इधर 2 11 से गुणा करें तो इधर 2 11 गुणा 11 से गुणा करें। समझ पाए होंगे ये कैसे बनाया मैंने, इधर वाली किस्त की राशि है, इधर वाली देय राशि है, ये किस्तों में देय राशि है, ये ऋण राशि है, तो अब ये सारी बात दे रखी है, इसको बना लो आप, ये मैंने जो मार्क कराया गोला कराया उसको बना लो, ये तो 1000 हो गया, 10 गुणा 10 गुणा 10 1000, ये 100, ये कितना हो गया 1100, और ये 121 यानी 1210, 1210 को 1100 को और 1000 को जोड़ूंगा तो
3300, 3000 सीधा, 3310। आप कहेंगे सर इधर तो कितना बनेगा, इधर वालों की जरूरत नहीं है तो गणना नहीं करें, कहीं इधर भी 1331 रे बनाने लग जाएं। इधर वाली तो क्या दे रखी है आपको, क्या चाहिए, एक किस चाहिए, एक किस चाहिए, तो 11 गुना 11 गुना 11 चाहिए अपने को। तो देखो दे क्या रखा है, 3310 के बराबर दे रखा है, 3310 किसके बराबर कर देंगे, 16550 के। अब आप इसको देखो सीधा ही काट दिया करो, ये 5 दिया 15, ये 5 गुना है, 0 तो कटी जाएगी, 1 बराबर कितना 5। देखो 1331 का पाड़ा बोल के देखो 1655 आ जाएगा, 155 होता है, तो 300 का पाड़ा 5 बार बोलते हैं तो 1500 आता ही है, 155 और डायरेक्ट काटे तो डायरेक्ट, वरना 5 से जैसे भी काटे हो आप। अब 1 बराबर 5 हो मान लो, तो अब आपको 11 गुना 11 गुना 11 निकालना है, तो आप कहेंगे सर 11 गुना 11 गुना 11 में जब भी निकालना पड़ता है 5 से और गुणा कर देंगे। तो ये सारा हम गणों में पढ़ चुके हैं कि गण क्या होते हैं, 1331, 11 का गण होता है 1331, 1331 का क्या कर दूंगा 5 गुना, लास्ट में तो 5 आएगा, साथ ही साथ 1355 से 150 और 5 155 ज्यादा आएगा, 6655 आएगा, सी ऑप्शन आंसर होता। अरे गुणा करते समय ऐसे दिखाया करो कि ये 1300 गुणा 5 होता तो 1355 होता, 6500 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन है 6500 से थोड़ा सा ज्यादा, गुणा करने की आवश्यकता थी नहीं, वैसे आइडिया सही लगाता, अनुमान थोड़ा सही लगना चाहिए, 10-20-50 प्रश्नों का अनुभव हो तो अनुमान सही लगाया जा सकता है, बगैर एक्सपीरियंस के तो अनुमान नहीं लगा सकते, बारिश का ही नहीं लगा सकते, वरना कईयों को अनुभव है, कई डोकरे हैं उनके ऐसे करता है यार आज तो शरीर में दर्द हो रहा है बारिश आएगी, अनुभव से बता देते हैं वो, अनुभव होता है थोड़ा सा, आइडिया होता है उनको चीजों का, और अपन बदलियों को देख के भी नहीं बता पाते हैं कि बारिश वाली है कि नहीं है, ये कुछ लोग हवाओं के रुख से बता देते हैं कि इधर से हवा आ रही है तो बारिश आएगी, तो तुम भी थोड़ा सा हवाओं के रुख से बताना सीखो, हड़के हड़के कुछ चीजों का इस्तेमाल करो, धीरे धीरे अनुभव बढ़ता जाएगा तो अनुमान सटीक लगते जाएंगे, अनुभव की कमी रहेगी। अनुभव का मतलब मान लो सवाल आपने 9 सवाल देखे हैं तो कम से कम इसका अनुभव तो हो गया कि 10 से 11 कैसे बन रहा है, ये बराबर कैसे कर रहा है, वो धीरे धीरे पता चलेगा, हो सकता है आप घर से आए हो तब पता नहीं हो उस चीज का, और पढ़ाने वालों के साथ भी क्या होता है, हमें भी तो वही तो होता है, और हम कौन से वो होंगे भाई, पहले से ही पता रहता है उनको, पढ़ाने वाले भी उन चीजों का अनुभव ही कर करके आते हैं, और उनके लिए तो आसान है, आपसे भी आसान है पढ़ाने वाले के लिए, तो आपको तो पता नहीं क्या क्या याद रखना पड़ता है, उसको तो क्लास में आके बोलेगा वही तो याद रखना होता है, उसको घर से और पता रहता है कि क्या बोलना है। देखो देखे क्या कह रहा है, एक मोबाइल फोन है वो 25,000 रुपया आप एक साथ दे देते हो तो आपको मिल जाता है, लेकिन तत्काल भुगतान तो उसने 5,000 तो तत्काल दे दिए, बच गए कितने 20,000, उनकी किस्त बनाई है 3 और 25-25% की इंटरेस्ट रेट वार्षिक, 3 वार्षिक किस्ती बनाई है, 2 दशमलव मानों तक पता करना है अपने को, प्रत्येक किस्त का मान बताना था, ऐसे दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबलों को पूछा था कि भाई किस्त बना के बता दे इसकी, अब जिसको चक्रवर्ती ब्याज की किस्तें बनानी आती थी वो तो खटाक से बना देगा एक आध मिनट में। मुझे आप ये बताओ 25,000 तो वो कैश दे देता एक साथ ही तो उसका पिंड छूट जाता, लेकिन उसने 5,000 तो कैश दिए तत्काल अदायगी करी और 20,000 की किस्त बनाई, ये समझ गए होंगे 20,000 कैसे बचे, इस 20,000 की कितनी किस्तें बनाई है 3 किस्तें। आप कहेंगे सर फर्स्ट सेकंड थर्ड किस्तें बनाता हूं तो 25% रेट को मैं क्या लिखना जानता हूं, 25/100 तो अनुपात में 1/ क्या हो जाती है 4, यानी आप 4 रुपए किसी के पास लाते हो तो 5 रुपए लौटाने पड़ते हैं, द्वितीय किस्त में 4 गुना 4 गुणात्मक वृद्धि, अब तो समझ गए होंगे ये कैसे कर रहा हूं, तीसरे दो बारी द्वितीय वर्ष में 2 बारी, तृतीय वर्ष में 3-3 बार गुणा हो जाएंगी, गुणात्मक वृद्धि करते जाएं, चौथे साल में हो तो 1-1 बार और गुणा कर दें, क्या ही हो रहा है। अब आप मुझे बताओ किस्तें बराबर हैं क्या,
किस्तें बराबर ही होती हैं तो बराबर करना ही पड़ेगा, है तो नहीं, तो इसको पांच से गुणा कर दो, इसको पांच गुणा पांच से, तो इधर भी दो पांच से गुणा कर दो, पांच गुणा पांच, इधर एक पांच से गुणा कर दो, समझ गए होंगे। अब ये राशि बना लो खटाक से, ये कितनी बन गई, चार गुणा चार गुणा चार तो 64 होता ही है, ये 16 पंजे 80 होता है, तो ये 80 हो गया, ये 25 चौक कितना हो गया 100, तो ये 140, 144, 244 हो गया, कितना बन गया, अरे नहीं दिखा 244 कैसे बना, अरे 80 60 तो 140 होता ही है, 140 और 100, 240 और 4 खुले। अब आप मुझे बताओ प्रत्येक किस्त का मान चाहिए, तो इनको गुणा मत करना, कहीं इनको जोड़ने लग जाओ और गुणा करने लग जाओ, क्योंकि किस्त प्रत्येक किस्त चाहिए तो पांच गुणा पांच गुणा पांच ही चाहिए मेरे को। तो बताओ दे क्या रखा है, 244 तो उसने दे रखा है, 244 बराबर क्या कर देता मैं 20,000, और चाहिए क्या मुझे पांच गुणा पांच गुणा पांच यानी 125 चाहिए मुझे, तो इसमें 244 का तो भाग दे दो, 244 का भाग देते तो एक बराबर हो जाता, और इसको 125 से गुणा कर दो, वो मेरा आंसर आएगा इसमें से। अब देखो मैं गुणा उणा कर रहा हूं, लगभग पूछा है उसने, इसका मतलब इसे काट पीट के मुझे चेक करना पड़ेगा, और दो दशमलव तक ही पूछा है, तो देखो चार से काटो पहले, तो इसको आप कहेंगे सर चार से काटे तो 6 एकम 6 और 4 एकम 4, 6 चौका 24 और 4 एकम 4, दिख गया, ऊपर चार से काटूं तो ये कितनी बार कट जाएगा, 5,000 बार कट जाएगा, फिर इसको गुणा ही कर लो, अब 61 किसी से नहीं घटेगा, तो गुणा कर लेता हूँ, 125 का पांच गुणा करता हूं तो ये 625 हो जाता है, 625 के कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो, नीचे क्या आ जाएगा 61, अब 61 का ही भाग देना पड़ेगा, 61 का पहाड़ा मैंने बताया हुआ है 60 प्लस 1, 60 का पहाड़ा बोलते जाएं, एक कम में एक ज्यादा, दुक्के में दो ज्यादा, तिक्के में तीन ज्यादा, 60 के पहाड़े से। तो आप कहेंगे सर 60 का पहाड़ा हम बोलने इसमें जाते हैं, तो पहला पहाड़ा तो बिल्कुल इजी भूल गया, 60 एकम 60, तो 61 एकम 61, फिर एक बचा, फिर कितना हो जाएगा 15, 15 में जाता नहीं है तो भाग टूट की जीरो, फिर 150, फिर 150 में कितनी बार जाएगा, दो बार, तो अब लग गया होगा कि इन दोनों में से आएगा एक जना, फिर देखो दो बार जा रहा है तो अगली बार कितना जाएगा, चार बार जाएगा, दो बार समझ गए, 150 में 122 आया, 122 में से 28 बचे, 28 को जीरो के पीछे लगाया तो कितना बन गया 280, 280 में चार बार चला जाएगा, 6 चौका 24 और चार और 244, 244 के बाद कितना बचेगा 36, फिर 36 के जीरो लगेगी तो 360, तो 360 में कितनी बार जाएगा पांच बार, पांच बार में 6 पंजे 30, 300, 305 आएगा तो कितना बचेगा 55, 55 के बाद पॉइंट लग जाएगा, वो खत्म ही हो गए, तो 55 के पॉइंट लगेगा तो 500 क्या बनेगा, 550 में 60 का भाग 10 बार तो जा नहीं सकता, 9 बार ही जा सकता है, तो पॉइंट के बाद 9 आएगा, एक ही ऑप्शन क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद 9, दो अंकों तक ही पता करना था अपने को, तो पहले अंक से ही डिसाइड हो गया था कि 9 0 9 आएगा, कि 9 आएगा तो 9 ही आएगा पहले, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर होता। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि परीक्षा वाला 61 के पाड़े 59 के पाड़े डायरेक्ट भी बुलवाता है आपसे, आना ही चाहिए आपको, 60 का पाड़ा आता है तो 61 का पाड़ा भी जी होता है, 59 का पाड़ा वो एक एक कम बोलते जाओ या दो दो कम बोल दो, दुग्गे में तिग्गे में तीन कम बोल दो। ये मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें कैसे हैंडल करी जाती हैं, आसान है बिल्कुल। बता देंगे ऐसा आ गया, चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली है कोई धनराशि 3 वार्षिक किस्तों में वापस की जानी है 15% प्रतिवर्ष की दर से, ये दे है, वार्षिक किस्त 12,167 रुपए की आती है, उधार कितनी राशि ली गई है, तो मैं तीन किस्तें बना देता खटाक से, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, गुणात्मक वृद्धि करता है, 15% का मसला होता है 15/100, 15/100 को आप काटेंगे पांच से, तो आप कहेंगे सर 3/15
पांच से काटेंगे, 5 × 3 = 15, 20 बार, तो 20 रुपए आप लाते हो तो कितना लौटाना पड़ेगा, 23। तो 20 × 20 लाते हो तो 23 × 23 सेकेंड ईयर में गुणात्मक वृद्धि हो जाएगी, फिर थर्ड ईयर में इसकी भी गुणात्मक वृद्धि हो जाएगी, 20 × 20 × 20 3 टाइम, 20 × 23 × 23 × 23 ये भी 3 टाइम। आप कहेंगे सर किस्तों की राशि बराबर करनी होती है, तो बराबर 23 × 23 × 23 बनाऊंगा मैं इसे, ये भी 23 × 23 × 23 बनाऊंगा इसे, और इधर किससे गुणा करूंगा, एक बार 23 से, यहाँ 23 × 23 से, दो बार 23। समझ गए ये बात। अब आप मुझे ये बता दें, ये तो 3/20 तो मैं मिटा देता हूँ, ये 3/20 कैसे बना, इस 15 को मैंने 3/ क्या लिख दिया था, 20। आप मुझे ये बताओ वार्षिक किस्त कितनी बता रखी है, ये वाली चीज है वो किसके बराबर है, 23 × 23 × 23 के बराबर है। समझ गए ये किसके बराबर है, तो इसको गुणा करके देखो, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 और 28,000 और 23, ये इतना ही बनेगा, 12,167 ही बनेगा, कितना बनेगा 12, 23 × 23 पूरी दुनिया जानती है, 519 कौन बोल रहा है, 29। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, 23 × 20 = 3 बोल के निम्मेर दुगेर पंजे बोल सकते हो, तो ये इसको 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12,167 के बराबर 12,167 ही आएगा, गुणा भी नहीं करें तो इनको काट ले, मैंने ये बताया था इसको, और इसको काटेंगे तो 1 = 1 आएगा, काटते जाएंगे 23 से काटेंगे, फिर 23 से काटेंगे, फिर 23 से काटेंगे, तो 1 = 1 ही आएगा, और 1 = 1 आएगा, तो बोलो राशि पूछी है उधार की राशि, तो इधर जितना बनेगा वही उत्तर हो जाएगा कि नहीं, 1 = 1 आ गया तो इधर जो बनेगा वही उत्तर हो गया। तो अब आप मुझे बताओ इधर क्या बनता, इधर 23 × 23 × 23 तो कितना होता है, 529, तो 529 को तो कितने से गुणा कर दो, 20 से, तो 1,058 और 10, 10,580, फिर 20 × 20 400 होता है, 400 को किससे गुणा करूंगा मैं, तो 23 × 92 होता है, ये हो जाएगा 9200। समझ गए कैसे बनाया 9200, फिर इसको गुणा करा 20 × 20 × 20, ये तो पूरी दुनिया जानती है 8000, इसको तो डायरेक्ट ही गुणा कर दो, और इनको जोड़ेंगे तो 0 आएगा और फिर 8 आएगा, फिर कितना आएगा 780, खूब जगह आ रहा है, और 27,780 ए ऑप्शन आपका राइट। 1 = 1 हो रहा है तो फिर और किससे गुणा ही नहीं करना, वो आएगा वही उत्तर आ जाए, 1 = 2 हो रहा होता तो 27,780 का डबल कर देता। दिख गया कैसे निकाल रहा था मैं, ये कुछ चक्रवर्ती ब्याज की ऐसी चीजों का आपको ध्यान रखना है, इनमें छोटी छोटी बात कभी कभार करता है किस्तों में। वो अनुपात बनाने आए गए होंगे कैसे, बस वो अनुपात बनाने का ही खेल है सारे के अंदर। तो फिर चक्रवर्ती ब्याज आपको आ जाता है आराम से, ऐसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबलों को पूछ लिया गया पिछली बार कि 519,500 रुपए की राशि है, उसे इससे चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली गई है, ब्याज पर, ये 5 नहीं है, ब्याज पर ही है, और 2 वर्षों में 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान कराए, 2 ही किस्तों में वापस लौटानी है आपको, तो बताओ 2 किस्तों में लौटा सकते हो कि नहीं, खटाक से कैसे लौटाएंगे इसको, पहले 7×5 = 35 और 4 कितना बनाओगे, 39/5 और परसेंट का 100, ये दर को ऐसे लिखोगे पहले, तो अब आप कहोगे सर ये लिखेंगे तो अब ये कट तो रहा नहीं कट रहा, तो भाई साहब 500 इधर लगाओ और इधर कितना लगाओ, 539, फिर अगले वाले में 500 × 500 लगाओ और इधर 539 × 539, ऐसे ही गणना दी थी पेपर में, जो पेपर में दिए वही तो लिखेंगे अपन, गया। अब आप
ऐसे इनको देख के डरने की जरूरत नहीं है, ये आसानी है। 529 भी गणित का आदमी होता है, कोई नया नहीं होता है। 539 और 539 इधर दिख गया, ये बराबर कर दिया आपने इसको। अब क्या चाहिए, ये टोटल राशि है, क्या पूछ रहा है, किस्त क्या होगा। किस्त मतलब 539 गुना 539 चाहिए, और ये निकालो पहले तो ये राशि उसके बराबर करो। तो 500 यहां गुणा करना ईजी है, देखो 500 गुना 500 तो पूरी दुनिया जानती है, ये तो कोई बड़ी गणना नहीं है, ये तो इधर वाली तो कोई भी बड़ी गणना नहीं है। 539 को 5 से गुणा करेंगे आप, तो 5 से गुणा करो तो 2 जीरो तो डायरेक्ट आ जाएंगी। आप कहेंगे सर 9 पंजे 45, 4 बचेगा 15, और 4 19 9 बचेगा, 1 हासिल, और 25 रे कितना हो जाएगा 26। इन सबको मैं जोड़ता तो यहाँ 5 आता, 9 आता, 11 का 1 आता, ये लो ये जी हो गया। 519,500 के बराबर कितना हो गया, अरे 519,500 ही हो गया, ये तो इजी था, इसके बराबर ये खुद ही हो गया। तो 1 बराबर 1 ही हो गया, 1 बराबर 1 हो गया, तो किस्त की राशि क्या होगी, 539 गुणा 539, यही आंसर आएगा कि नहीं। मेरा सुनना, मैं बोल रहा हूं उसे सुनना, इसे गुणा करना ही पड़ गया आपको। तो आप कहेंगे सर 99 81, लास्ट में तो एक ही आएगा, पूरी दुनिया के ये एक आ रहा है। फिर मैंने ये कहा था मूलांक 539 का भाजक था, अभी चेक नहीं कर सकते आप, मूलांक बनाना बताया था। मूलांक सुनो, मूलांक कैसे बनाते हैं, इनके अंकों को जोड़ते हैं, 9 को तो छोड़ देते हैं, बाकी को जोड़ लेते हैं। 5 और 3 कितना होता, 8, इधर 9 को छोड़ देते हैं, 8, 8 गुणा 8 कितना बनता 64, 64 को जोड़ते वापस से तो 10, 10 को जोड़ते तो 1, ऐसा उत्तर आएगा जिसके अंकों को जोड़ने से 1 बन जाए। तो मैं यहां अंकों को जोड़ता तो 9 को तो छोड़ देता, 9 को छोड़ दो, 5 और 4 9 को छोड़ दो, 1 बचेगा, इसका मूलांक कितना बच रहा है, ये उत्तर आ सकता है। फिर मैं दूसरे के मूलांक को 7 और 2 9, नहीं इसका 1 नहीं बन रहा, इसका मूलांक कितना बन रहा है 8, ये उत्तर कदापि नहीं आ सकता। फिर मैं यहां देखा 8 और 1 9, 5 और 4 9, नहीं मूलांक बन गया 0, 9 को 0 कहते हैं। मूलांक बनाते समय 9 को जोड़े ही नहीं, जोड़ भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मजदूरी और हो जाएगी जोड़ेंगे तो। यहां देखो 5 3 9, 2 ही बचा, तो मूलांक से मुझे पता चल रहा था, गुणा नहीं भी करता तो मैं बता सकता था। बाकी गुणा उणा आप कर भी सकते हो, आप बहादुर लोग हो, बहुत सारा गुणा भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते हो, इतनी देर में तो गुणाएं कर देते, 539 ऊपर नीचे लिखते ऐसे और लगा देते ऐसे, बिल्कुल पूरे देखे। ये बातें तो कौन से ब्याज की थी, चक्रवर्ती ब्याज के थे। अब किस्तें साधारण ब्याज की भी आनी चाहिए, लेकिन मैं चक्रवर्ती ब्याज की किस्तों का फिर से रिवीजन कर देता हूं कि चक्रवर्ती ब्याज की किस्त बनाओ। तो किस्तों में क्या ध्यान रखना है, ये ए अनुपात, बी फर्स्ट किस्त की राशि, तो सेकंड किस्त में ए गुणा ए क्या हो जाएगा, बी गुणा बी, ये दर से लगा सकते हो आप। फिर तीसरी किस्त में क्या हो जाएगा, वो ए गुणा ए गुणा ए, वो जाएगा बी गुणा बी गुणा बी। 2 या 3 किस्तों में ज्यादा चाहिए अपने को मामला, कभी कभार क्वेश्चन आते हैं ऐसे थोक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आप कहेंगे साहब यहाँ वाली किस्त की राशि, तो आप कहेंगे सर इधर 20 से गुणा इधर 20 से, क्योंकि किस्तों की राशि सारी बराबर होनी चाहिए, तो इनको बराबर करेंगे अनुपात लगा लेने के बाद, ये तो गुणात्मक वर्ती से करेंगे। फिर आप यहाँ कहोगे कि सर बी गुणा बी 2 बार करो, तो इधर भी बी गुणा बी 2 बार गुणा करो, ये किस्तों में टोटल लौटाई गई राशि, ये ऋण की जो टोटल राशि है वो, इन दोनों का अंतर करो तो वो क्या बनेगा ब्याज, और कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गिवेन होगा, उस शेष अनुपात की तुलना करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे जो आपको निकलवाया है वो,
समझ गए होंगे क्या था मसला। इतनी चीजें सफिशियंट है, वैसे बातें बहुत कर सकते हैं अपन किस्तों में, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के लिए इतनी सफिशियंट है। जो चक्रवर्ती ब्याज के पहले टॉपिक में प्रश्न बताए उन पे ज्यादा फोकस करें, उनको निकालने का काम करें। वो आसानी है वैसे, जैसे बताया वैसे करोगे तो। दर निकालना आसान है, टाइम निकालना आसान है, उसमें अनुपात अनुपात लगा के वैसे ही गुणात्मक वृद्धि के सवाल देखना कि दुगुना हो गया चौगुना कब हो जाएगा, अरे सभी आसान है उसमें। उससे पहले साधारण ब्याज था वो भी आसान ही था। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट की क्या आनी चाहिए, किस्त है। अब साधारण ब्याज तो बिल्कुल इजी होता है, क्या होता है साधारण ब्याज बिल्कुल इजी होता है, आसान होता है साधारण ब्याज को पढ़ना पढ़ाना। और किस्तें तो और भी आसान होती हैं। इसमें साधारण ब्याज में तो सीधा सीधा ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर कोई ब्याज नहीं मिलता है। जैसे मान लो आपने कोई किस्त 8% से देनी है, तो किस्त मान लो 100 रुपए की है, तो 3 किस्तें लौटानी है आपको। मान लो 3 किस्तें लौटानी है और कोई भी दर है 8% ही दर है, तो आप पहली बार किस्त दोगे तो 100 रुपए तो दे ही दिए, बाकी जो बच गया वो बच गई राशि उसकी कितनी, 2 किस्तों का ब्याज और देना है आपको। सीधा सीधा ब्याज दोगे तो 100 रुपए का आर मिलता है, तो 2 बच रहे होंगे, तो क्या बच गया होगा, 2 आर ब्याज और परोस दो उसको। फिर आपने 100 रुपए और दे दिए तो फिर 1 आर बच गया होगा, और लास्ट का देने के बाद आपको ब्याज देना ही नहीं है। मान लो मुझे यही मसला 4 किस्तों में चाहिए होता तो मैं क्या करता, 4 किस्तों की राशि को 100-100 मानता, हर किस्त की राशि को 100-100 ही मान लेता। यहाँ ब्याज के ऊपर ब्याज गुणात्मक वृद्धि का मसला ही नहीं है, योगात्मक है यहाँ। तो पहले तो 3 किस्तों का ब्याज देना पड़ता मुझे, 1 तो दे ही दी। अरे जैसे मान लो मैंने कोई राशि उधार ली होती, उसमें से 100 लौटा दिए, तो 100 का ब्याज थोड़ी लगेगा, अब तो बचे हुए पे लगेगा। तो आप कहेंगे यहाँ तो कितनी, 3 आर किस्त लगेगी, फिर यहाँ 2 आर लगेगी, और यहाँ आर लगेगी, यहाँ लगेगा ही नहीं, चुकता ही हो गया अब तो, ठीक है। ऐसे मान लो 8 होते तो यहाँ 7 आर लगता, फिर 6 आर, फिर 3 आर, ऐसे। अभी मैं सवालों से समझाऊंगा, कुछ देर के लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखें, सुने चीजों को, कि साधारण ब्याज को बगैर सूत्र के आप कैसे निकाल देंगे, मतलब किस्तों को। तो साधारण ब्याज का जब भी क्वेश्चन आए, जैसे अब मैं क्वेश्चन से ही दिखा देता हूं आपको, जिससे ज्यादा तकलीफ नहीं हो आपको। ऐसे प्रश्न आ गया, कौन सी वार्षिक किस्त है वो 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे, ये दे राशि को लौटाना होता है। एक होती है मूल राशि, एक होती है दे राशि। मूल राशि का मतलब तो होता है भाई, जैसे 12,000 उधार लिए हैं, तो 12,000 तो मूल राशि हो गई, लेकिन ऋण की देय राशि क्या हो गई, 12,000 प्लस ब्याज। कुछ प्रश्नों में ऋण राशि देगा देय राशि, और कुछ में क्या होगी, शुरू वाली राशि देगा। साधारण ब्याज में 2 तरीके से प्रश्न होगा, अभी मैं समझाऊंगा उनमें डिफरेंस क्या है। यहां देखना देय राशि है क्या, तो देय राशि कितनी बता दी, तो देय राशि हो तो आपको कुछ नहीं करना, देय राशि को ही लिख लेना है कि भाई देय राशि कितनी बताई। तो आप कहेंगे सर 1260 रुपए देय राशि बताई, एक मूल राशि भी बता सकता है, वो आगे मैं बताऊंगा क्वेश्चंस के अंदर। अब किस्तें किस हिसाब से देनी है, तो इसको 1/12 ऐसे कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये योगात्मक वृद्धि होती है, तो ज्यादा कोई गणना में उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है। किस्तें कैसे माने, किस्त माने 100-100 रुपए की, तो आप कहेंगे सर पहली किस्त कितने रुपए की, 100 की, दूसरी भी 100 की, तीसरी भी किसकी, ब्याज कैसे मिलेगा। पहली किस्त दे देने के बाद 2 किस्तें बचेंगी, तो 2 का ब्याज मिलेगा, तो 2 का ब्याज कितना मिलेगा, 12 के हिसाब से 12×2=24 मिलेगा, डायरेक्ट लिख देना। फिर अगली किस्त में कितना मिलेगा, केवल 12, 1 बार 2 बार, और यहां ब्याज क्या मिलेगा, 0। चल गया ये पता। अब टोटल देय राशि बना लेना, टोटल दिया कितना आपने, 300 तो ये दिया और 36 ये दिया, टोटल 300 और कितना हो गया, 336 को इससे तुलना कर देना। अब जैसे पिछले वाले चक्रवर्ती ब्याज में करे वैसे 336 इसके बराबर कर देना, 336 बराबर क्या कर दोगे, 1260, काटो इसको, 3 बार कट जाएगा, 3 से काट दो, चलो भाई 3 से काट देते, 1 का 1 का 2 का 3 से काटेंगे, 4 का 2 का
इतना ही कटेगा। फिर दो से, चार से, चौदह से, सात से, ऐसे काट सकते हो। चौदह अंटे होता है ये, चौदह अंटे, चौदह थी 42, यही होगा। फिर बताओ और काटे तो चार बराबर कितना आ जाएगा, 15। एक बराबर कितना आ जाएगा, 15/4। 15/4 लिख लो, एक को 15/4 कहते हैं। तो किस्त की राशि क्या चाहिए, किस्त कौन सी, वार्षिक किस्त, वार्षिक किस्त चाहिए। तो किस्त कितने की मानी है, 100-100 रुपए की। तो आप इसको 100 से गुणा कर दो तो आप कहेंगे सर 15/4 को 100 से गुणा कर दो, किस्त आ जाएगी। चार काटा 25 बार, 25 गुणा 15 कर देते तो 375 रुपया मेरा उत्तर आ जाता। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की किस्तें आसान होती हैं, बस मेरी बातों को सुने दो तीन प्रश्नों के साथ कि कभी भी साधारण ब्याज की किस्तें दे दें तो आप 100-100-100 किस्त को मानेंगे। ब्याज उनके साथ में योगात्मक वृद्धि करेगा, वो कैसे करेगा वो देख लो आप। एक किस्त देते ही एक दर कम हो जाएगी ब्याज में, अरे एक किस्त के साथ मिलने वाला ब्याज कम हो जाएगा, तो समझ गए होंगे। चार किस्तें, तीन किस्तें देनी थी तो दो ही ब्याज देना था, दर को डबल कर दें। यदि फिर उसके बाद में एक ही बच गई तो एक बार ही देना था, और इसके बाद में कोई किस्त नहीं बची तो कोई ब्याज नहीं देना है। फिर से देखिए प्रोसेस को, साधारण ब्याज की किस्तों में दे कोई ऋण आ जाए आपके पास, तो पहले तो दे राशि देखनी है आपको कि क्या ये दे राशि है क्या। दे राशि का मतलब ब्याज समेत राशि, कई बार शुरुआत वाली राशि देता है तो ब्याज जोड़ेंगे उसमें, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। दे राशि कितनी है बताओ, 8432, ये दे राशि है। कितनी किस्तों में देना है, चार किस्तों में। तो आप कहेंगे फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की और फोर्थ ईयर की किस्त देनी है। सर किस्तों को कितना था मान लेता हूं मैं, 100-100 रुपए की किस्त मान लेता हूं। मान ली 100-100 रुपए की किस्त, बराबर ही मान लेते हैं इसमें तो सारों को। चार किस्तें देनी होती हैं, पहली किस्त आप दे दोगे उसके बाद दर कितनी बचेगी, दर कौन सी है, 16। तो यहाँ 16-16 के तीन ब्याज बचेंगे इन अगली वाली 100-100 के, तो आप क्या कहेंगे 16 थी 48। ये समझ गए 48 कैसे बनाया। फिर यहाँ दो किस्तों का ब्याज बचेगा, 16 दुआ कितना होगा 32। फिर यहाँ कितनी किस्तों का ब्याज बचेगा, एक का, तो यहाँ 16 और यहाँ कोई किस्तों का ब्याज ही नहीं बचेगा। समझ पाए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूं। तो अब आप इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे सारों को। तो ये इन सबको जोड़ेंगे तो देखो 48 48 96 तो ये हो जाएगा। अरे 16 32 48 48 96 96 तो ये हो गया, 400 ये हो गया। टोटल देय राशि कितनी हो गई, ये देय राशि हो गई, देय कितना हो गया 496। 496 किसके बराबर कर दो, 8432 के बराबर कर दो बस। और फिर किस्त की राशि पूछे तो 100 बराबर निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 496 का भाग दे देना है 100 से, क्या कर देना है इसको गुणा। ये किस्त आ जाएगी कि नहीं डायरेक्ट ही, समझ गए डायरेक्ट कैसे निकालोगे। ये जो टोटल देय राशि है इसका भाग दिखाओ उसमें, अब काटो इसे, 4 से काटो और से काटो, 496 का पड़ा है तो 496 से काट लो। कईयों को नहीं पता चला, अरे ये 500 ही है, लगभग 500 ही है, 500 से थोड़ा सा कम है तो 17/85 से थोड़ा सा ही तो कम है, नहीं दिख रहा। ऑप्शन को चाटो, ऑप्शन को, कईयों को नहीं पता चला। चल रहा है, देखो चल जाए तो बढ़िया ही है। या चार शेर ऐसे काट लेना रे, कौन सा दुख पा रहे हो। ये कई लोगों को ऐसे दिखता है कि सर ये 500 में से चार कम है, वितरण करना बताया था मैंने, और ये क्या है 8500 में से कितना कम है, 68 कम। तो देखे देखो 17 चौक 68 और 17/85 17 बार कटेगा ये। ऑप्शन ऐसे ही कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है 22 बार कट सकता है लगभग, तभी तो 2200 आएगा 100 से गुणा करने से। ये कह रहा है लगभग 15 बार और ये कह रहा है लगभग 17 बार, तो ऑप्शन को देख के सूंघते तो डायरेक्ट ही काट देते कि सर 17 बार कटता। क्या अलग अलग काट लें आप, वो तजुर्बे की बात है कि आप कैसे इसको काटते हैं, क्या देखते हैं।
साधारण ब्याजों में देय राशि दी गई हो तो किस्तों की राशि बना सकते हैं कि नहीं आराम से। अब यहां अभी देखो ये क्या है, 2210 ऋण की देय राशि है, भुगतान की राशि है कि नहीं है। तो देय कितना है यहां पर, देय राशि कितनी है 2210। देय राशि मिले तो डायरेक्ट निकाल सकता हूं मैं देय राशि को, ये देय राशि नहीं मिले तो इसमें ब्याज जोड़ना और पड़ेगा अपने को अलग से निकाल के, वो अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे जोड़ते हैं। अब मुझे बताओ चार किस्तें मुझे बनानी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वार्षिकी है ये सारी बातें, तो आप कहेंगे सर साधारण ब्याज की किस्तें हो तो 100-100 मानेंगे, योगात्मक वृद्धि करता है तो हम डायरेक्ट ही 100-100 की किस्त मान लेंगे और इसमें प्लस कर देंगे दर के हिसाब से। पहली किस्त पे करेंगे तो 3 किस्तों का ब्याज बचेगा, अरे 4 में 3 का ही तो बचेगा ब्याज, तो पहली किस्त के साथ में 3 किस्तों का ब्याज देना पड़ेगा, तो 7% 100 का साथ देते हैं तो 3 किस्तों का कितना देंगे 21, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट मिलता है ब्याज, 2 किस्तों का 14, 1 किस्तों का 7 और लास्ट वाले के साथ 0। समझ गए होंगे ये मैंने कैसे लगाया। अब देय राशि बना लो, ये देय राशि में क्या करोगे, 100 100 100 400, 21 21 42, तो 442 देय राशि बन गई। अब आप 442 इसके बराबर कर दो, यानी कि अभी मैंने कहा 442 का इसमें भाग लगा दो और 100 से गुणा कर दो, किस्तों की राशि आ जाएगी। 442 का भाग दे देता और गुणा किससे कर देता। अब देखो 2100, 221 का पढ़ाई बोल लेना मिनक हो तो, 1 के 2 42 सर, दो कहीं 2 शेर 3 शेर ऐसे काटते फिरते रहो इसको, ये डायरेक्ट कितनी बार काट देगा, 2 बार, फिर 10 बचेगा यहाँ, 10 को ये 2 काट देगा 5 बार, 500 मेरा आंसर आ जाता, किस्त का आंसर आता 500। ये देय राशि बनानी आ गई होगी कैसे बना रहा हूं मैं, तो फिर सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा आपको और साधारण ब्याज के प्रश्नों को खटाक खटाक से करेंगे किस्तों में। बन रहे हैं कैसे बना रहा हूं मैं इनको, ये कौन से प्रश्न है कि देय राशि दी गई हो तब साधारण ब्याज की किस्तों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। इसमें भी देखे देखो देय राशि दी गई थी कि नहीं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबलों के पेपरों को मैं पूछा था कि भाई वार्षिक किस्त 9% के साधारण ब्याज पर 3 किस्तें देनी है और देय राशि कितनी है 3270, तो देय राशि बना सकते हो कि नहीं किस्तों में डायरेक्ट। तो आप कहोगे सर 100 100 रुपए की 3 किस्त बना लो खटाक खटाक से, पहली किस्त के साथ 2 किस्तों का ब्याज देना पड़ेगा यानी 9% हर साल, तो 18 देना पड़ेगा, फिर यहाँ 9 देना पड़ेगा, यहाँ 0, ये 300 और 27, 327 खटाक से बना देता मैं, ऐसे मन में बना देता, कई लोग तो बगैर लिखे ही बना देते। तो बताओ 327 का भाग किस में दोगे 3270। अब ये भाग पेन से देने वाला है क्या, और किस्त की राशि सो लाद दे उसके पेन से दे उसके, ये पेन से ऐसे क्या करेगा, ऐसे क्या कितना 1000 रुपए की एक किस्त आती, ये टिका देता उतरा दे कर दे, ठीक है। तो कुछ और बना बना के देखेंगे, एक तो और बनाएंगे अभी, फिर बाकी तो कल बना बना के देखेंगे इनको सारों को, साधारण ब्याज की किस्तें। कौन सी वार्षिक किस्त 10% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दे है, भाई दे राशि कितनी है 9600, दे राशि हो तो डायरेक्ट बना सकते हैं कि नहीं। तो दे राशि में पहली किस्त 100 की, दूसरी किस्त 100 की, 5 किस्तें बनानी है तो 100 100 की 5 किस्त बना दो ऐसे 500, योगात्मक वृद्धि करता है इनके पास में, दर को प्लस कर करके लिख दो। लेकिन आप कहेंगे सर 5 किस्तें हो, 100 को देने के बाद कितना ब्याज बचेगा 4, 100 का 10 रुपया है तो यहाँ तो कितना 40, 10 100 40, फिर यहाँ कितना बचेगा 30, यहाँ कितना बचेगा 20, यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा 0, ये बनाना आ गया होगा आराम से। अब मुझे देय राशि बना लेनी है, ये जो मामला बनाया है 100 से, तो 500 तो सीधा 500 के बाद 40 और 60 100 कितना हो गया 600 ही हो गया, 600 का भाग किस में दे दो, इसमें 600 का भाग दे के 100 से गुणा कर दो, किस्त आ जाएंगी तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगी और 16 96 96, 1600 रुपये मेरा आंसर आ जाए गया। कैसे करते हैं, कभी कभार किस्तों के प्रश्न आते हैं, कल हम इसको पूरी को समाप्त करेंगे, कुछ प्रश्न और बच गए हैं 10 20, उनको कल देखेंगे। धन्यवाद।
देखिए कल वाली क्लास में आप चक्रवर्ती ब्याज की किस्तें पढ़ के गए थे कि चक्रवर्ती ब्याज की किस्तें कैसे चलती हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज के बारे में और साधारण ब्याज के बारे में एक मोटा सा डिफरेंस आप ये जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये हर साल बराबर मिलता है, ये हर साल बढ़ बढ़ के मिलता है। मान लो ये फर्स्ट ईयर में ए मिला, सेकंड ईयर में ए मिलेगा, थर्ड ईयर में ए मिलेगा, हर वर्ष ये ए ही मिलेगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में ए मिला तो सेकंड ईयर में ए प्लस ए का ब्याज और मिलेगा आपको, फिर थर्ड ईयर में क्या मिलेगा, ए तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे साधारण ब्याज मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन थर्ड ईयर में इस ए का ब्याज मिलेगा बी, फिर इस ए का एक साल का ब्याज मिलेगा बी, और इस बी का एक साल का ब्याज मिलेगा सी। ये हम ईयर दर ईयर कैलकुलेट करना सीख रहे थे कि ए कैसे निकलता है, बी कैसे निकलता है और सी कैसे निकलता है। ऐसे ही फोर्थ ईयर में सीखा था कि फोर्थ ईयर में तीन बार ए आ गया तो तीन बार तो क्या आएगा बी, और बी भी तीन बार आ गया तो तीन बार सी आएगा और सी के लिए डी आएगा। ऐसे आगे देख सकते हैं, बट हमने ऐसे करा था कि चक्रवर्ती ब्याज में दो साल और तीन साल का थोड़ा बेहतरीन आना चाहिए, बाकी आगे का चाहे इससे कम भी आए तो भी चलेगा। फिर हमने यो सीखा कि भाई ये योगात्मक वृद्धि करता है, साधारण ब्याज कौन सी वृद्धि करता है, यानी ये धीरे धीरे बढ़ता है। एक का दो हुआ तो एक बढ़ा तो अगले में उसी टाइम ड्यूरेशन में दो से तीन ही होगा, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज होता है वो कौन सी वृद्धि करता है, ये गुणात्मक बढ़ता है। मान लो किसी ने आपसे यूं कहा कि सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से एक राशि एक से चार हो गई, यानी चार गुणी हो गई, किसी ने ऐसे कहा कि राशि चार गुणी हो गई, और फिर मैं कहूँ कोई भी टी टाइम में हो गई, टी टाइम मतलब पांच साल दो साल कोई भी वर्ष रहे हो, और अब मैं ये कहूँ कि ये नेक्स्ट टी वर्षों में कितनी हो जाएगी, यहाँ मान लो पांच साल में चौगुनी हुई तो अगली पांच साल में चार से कितनी हो जाएगी कोई ये पूछ रहा हो, तो अब यहाँ पहले चौगुनी हुई थी तो अब यहाँ गुणात्मक वृद्धि नहीं देखनी है, योगात्मक देखनी है कि एक से चार हुआ तो योग कितना बढ़ा तीन, तो आप कहेंगे अब चार से तीन और बढ़ जाएगा तो चार से क्या हो जाएगा, फिर सात से टी टाइम में दस हो जाएगा, फिर दस से तेरह हो जाएगा, ऐसे ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। कुछ चीजें हमने चक्रवर्ती ब्याज में भी ऐसे प्रश्न करे थे कि मान लो कोई धन है एक से तिगुणा हो गया, चौगुणा हो गया, पांच गुणा हो गया, तो एक का मान लो पांच हो गया, कौन से ब्याज से, चक्रवर्ती ब्याज से, तो फिर ये अगले टी टाइम में क्या होगा, तो अब ये योगात्मक नहीं होगा, ये पांच गुणा हुआ है तो यहां भी साला पांच गुणा हो गया पच्चीस होगा, फिर 25 से क्या होगा 125 होगा अगले टी टाइम में। इसका मतलब ये धीरे धीरे बढ़ता है यानी योगात्मक वृद्धि करता है, और ये नीचे वाला क्या होता है गुणात्मक वृद्धि करता है, थोड़ा सा जल्दी से बढ़ता है उसी टाइम ड्यूरेशन में। फिर हमने इनकी किस्तें देखी थी कि चक्रवर्ती ब्याज की किस्तें हमने पहले देखी थी कि इसकी किस्तें कैसे मेजर करते हैं, तो मैंने ऐसे बताया था कि एक प्रश्न में एक दर दी होगी, ये वार्षिक होती है, अर्धवार्षिक हो तो इसका आधा ले लें, तिमाही हो तो उसका चौथाई ले लें, ऐसे कुछ बात करी थी। और इस दर को हमने जो देय राशि आपने ऋण की राशि ली है वो और किस्तों की जो राशि है उसके अनुपात में लगाया था, उसको इसका अनुपात बनाया कि फर्स्ट ईयर में मान लो एक किस्त में ए अनुपात बी हो, यानी ए रुपया लिया हो और बी की किस्त आती हो, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा ए गुणा ए और बी गुणा बी होगा, फिर थर्ड ईयर में ये गुणात्मक वृद्धि करेगा तो इधर का तो ए गुणा और बढ़ जाएगा और उधर वाला क्या हो जाएगा बी गुणा बढ़ जाएगा, ऐसे ये मामला चलता रहेगा। ऐसी चीजें हमने चक्रवर्ती ब्याज में दरें निकालने में और भी कई सारी चीजों में लागू करी थी। फिर कल हमने ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें ऐसे सीखी थी कि भाई मान लो कोई ऐसे चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न आ जाए तो दरों को कैसे लगाते हैं, ये सात सही चार बटा पांच को ऐसे लगाया कि नहीं फर्स्ट ईयर में, फिर किस्तों को बराबर करार बांटा उटार, ऐसे काम हम कल कर चुके हैं, जो कल से मेरे साथ हैं वो इन बातों को समझ पा रहे होंगे। फिर उसके बाद मैंने साधारण ब्याज की बातें करी कि साधारण ब्याज में किस्तें कैसे होती हैं, एसआई में किस्त योजना कैसे चलती है, तो एसआई की जो किस्त योजना चलती है उसमें हमने ऐसा पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट में तो साधारण चीजें होती हैं कि जो देय राशि होती है उसको प्रत्येक किस्त को कितने देखी मान लें
100 की मान लो दो किस्तों में लौटाना है, तीन में, दस में, साधारण में तो कितनी भी हो सकती है, इसमें तो दो तीन चार ही होंगी क्योंकि इसमें थोड़ी गणना जटिल होती है। अब इसमें मान लो चार किस्तें हैं मेरे पास, तो चारों किस्तों को कितने दे की मान लेता मैं, 100-100 रुपए की। साधारण ब्याज में ब्याज के ऊपर कोई ब्याज लगता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहली बार जब आप दर के कोई भी आर दर है अपने पास में, इसके हिसाब से हम लौटाएंगे। तो बोलो 100-100 की 400 की किस्तें मान लो, तो 100 रुपए दे दोगे तो आपके पास तीन किस्तें बचेंगी, इन तीन किस्तों का ब्याज देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ कितना ब्याज देंगे आप, 3R, मान लो 10% है तो 30 लिख देंगे यहाँ। फिर नेक्स्ट वाली किस्त दे देंगे तो अब दो ही किस्त बचेंगी, तो उनका ब्याज और देना पड़ेगा आपको, तो इन 200 रुपए का ब्याज और देना पड़ेगा, तो अब यहाँ कितने आर देंगे, 2R देंगे। फिर थर्ड ईयर में क्या होगा, तीसरी किस्त देंगे, तब यहाँ केवल आर ही देना पड़ेगा आपको, और लास्ट वाली किस्त देने के बाद तो कोई ब्याज का मसला बचेगा ही नहीं। तो कल मैंने ऐसे बताया था कि ये देय राशि का स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या है, देय राशि। अब मैं कहूं कि भाई वो 400 की किस्त दी है, वो उसमें देय राशि क्या रही होगी, तो आप कहेंगे सर ब्याज प्लस ये सारा मिलकर देय राशि बनती होगी। तो ये 400 तो ये बन गया, और इधर कितने आर बन गए, 6R बन गए, तो 400 प्लस 6R क्या हो जाएगी, देय राशि हो जाती है उसकी। पर्सन में देय राशि दी हुई होती है तो उसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि मान लो ऋणी दे रखा हो भाई, शुरू में ही इतना ही लिया है इसमें, तो उसमें ब्याज जोड़ के देय राशि बढ़ाएंगे, वो आगे अभी आना बाकी है। कल छोटी छोटी बात ऐसे देखी थी कि मान लो किसी ने आपसे ऐसे पूछ दिया कि ये कोई प्रश्न आता है कि भाई वार्षिक किस्त बनानी है, और किस्त भी कौन सी बनानी है, साधारण ब्याज की बनानी है, तीन वार्षिक किस्तें बनानी है। ऐसा प्रश्न आ जाए तो सूत्र के साथ नहीं जाएं आप, सूत्र के साथ जाएंगे तो सूत्र थोड़े जटिल होते हैं दोनों के ही। तो आपको करना क्या है कि मुझे कौन सी वार्षिक किस्त, एक किस्त की राशि बतानी है कि भाई पहली किस्त कितने की, दूसरी कितने की, तो कितनी किस्तें हैं। तीन किस्तें हैं तो तीनों को मैं कितने रुपए की मान लेता, 100-100 रुपए की प्रत्येक किस्त मान लेता, साधारण ब्याज का कोई क्वेश्चन हो तो। अब मेरे पास दर कितना है, 12% साधारण ब्याज की दर दे है, और ऋण कितना देना है, टोटल देय राशि, ये कौन सी राशि है, देय राशि है। तो कई बार परीक्षा में देय राशि देगा, कई बार मूल राशि देगा शुरू वाली, ये तो क्या है, ब्याज सहित राशि है कि 1260 ब्याज सहित लौटानी है। तो अब मुझे ब्याज सहित वाली राशि दे, तो यहाँ सीधा ही 100-100 मान के ब्याज वाली चीजें इसमें जोड़ के दे राशि बना लें। तो आप कहेंगे सर पहली किस्त देंगे उसके पास ब्याज कितना बचेगा, दो किस्तों का, तो दो किस्तें 12-12 के हिसाब से यहाँ कितना लिख देंगे, 24। फिर 100 एक और दे देंगे किस्त, उसके बाद एक किस्त का ब्याज कितना बचेगा, 12, लास्ट वाली को देने के बाद आपके पास कोई ब्याज बचेगा नहीं, ये दे राशि का ब्याज बन गया। इन पूरों को मैं जोड़ देता खटाक से, ये 300 हो जाता, ये 24 और 12 36 हो जाता, 336 को किसके बराबर कर देता, 1260 ये दे है इसके बराबर कर देता इसके टोटल को। और मुझे किस्त की राशि चाहिए थी, तो किस्त की राशि क्या मानी है आपने, 100-100 रुपए, तो मैं 100 निकाल देता, तो एक निकालता तो क्या करता, इसमें कितने का भाग देता, 336 का, इसे कितने से गुणा कर देता, 100 से, तो किस्त की राशि निकल के आ जाती। अब 100 बराबर आ गया, ये 100 का मान आ गया, यही किस्त की राशि होती है। इसको आप काट रहे होते तो 4 से ही ऐसे काट सकते हैं, जैसे मैं इसे 4 से काटता तो ये 8 चौक 32 होता, फिर 4 चौक कितना होता, 16। डायरेक्ट भी काट सकते हैं कुछ और काटें तो आप, या फिर मैं इसको 4 से काटता तो ये 3 बार, ये 0 वो 1 बार, और ये कितनी बार, 5 बार, 315 आता। फिर इस 84 को किससे काट सकता हूँ, 21 से काट दो, 7 से काट दो, जैसे भी काटो वैसे ही काट दो। 21 से काटूं तो 21 चौक 84 होता है, और इसको 21 से काटूं तो 1 कम 10 होता है, 1 के 5, और ये 4 काटेगा इसको कितनी बार, 25 बार। अब कहेंगे सर 25 गुणा 15 कर देते तो कितना आ जाता, 375 आ जाता। ऐसे ही बताया था कि जब जब साधारण ब्याज का प्रश्न परीक्षा में आए और आपको देय राशि दी गई हो, तो आपको कोई सूत्र नहीं लगाना है। ऐसे कहा कि 4 किस्तें देनी है 16% के भाव से, और ब्याज कौन सा है, साधारण ब्याज है, तो आपको प्रत्येक किस्त को कितने की मान लेनी है,
सौ सौ रुपए की मान लेनी है कि चार किस्त सौ 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 की हो गई। पहली किस्त के साथ में ब्याज देंगे कितनी बार का, तीन किस्तों का ब्याज देंगे, एक किस्त तो आप पे कर ही चुके हैं, तो यहां से सोलह ती कितना हो जाता 48, फिर अगली किस्त के साथ 16 दो 32, फिर अगली किस्त के साथ 16 एकम 16 और यहां 16 गुणा जीरो मतलब जीरो। तो अब आप कहेंगे कि सर ये देय राशि जो हम बनाएंगे वो बनेगी 400, तो इधर से बनेगी 48 32 16 को 96 और बनेगी 496 देय राशि हो गई, और इसमें देय राशि कितनी है 8432, तो 8432 के अंदर इसको किसके बराबर करता मैं 496, तो 496 का इसमें मैं भाग लगाता तो एक का मान आ जाता, और 100 का मान चाहिए तो मैं इसे कितने से और गुणा कर देता 100 से। ऐसे सीख के गए थे कल तक की क्लासों में कि भाई इसे कैसे निकालते हैं, काटा पेटी करते और कितना आ जाता। कल मैंने ऐसे बताया था कि थोड़ा सा ऐसे ध्यान दिया करो कि ये लगभग 500 है, ये कितना है 500 है, तो 500 का भाग 8500 है, ये लगभग 8500 या 8500 से थोड़ा कम है, तो 17/85 होता कि नहीं, तो इसमें लमसम भाग कितनी बार जाता 17 बार। कई लोग इतने खतरनाक होते हैं कि उसको देख के बता देते हैं कि इसका भाग कितने एक बार जाता, क्योंकि 100 से गुणा करना तो पूरी दुनिया को आता है, तुम्हें नहीं आता वो अलग बात है, बाकी सबको आता है ये तो, अब 100 को भी माड़ा तड़ा दर ही करो तो गुणा वैसे ही। कुछ ऐसे प्रश्न देख लिए थे कि 2200 रुपए देय राशि हो और चार वर्षों में आपको इसका भुगतान करना हो, 7% की इंटरेस्ट रेट हो, तो पहली किस्त के साथ तीन बार ब्याज मिलेगा मतलब 7×21, दूसरी के साथ 14 मिलेगा, तीसरी के साथ 7 मिलेगा, लास्ट वाली के साथ 0 मिलेगा। इस प्रकार से 442 बनेगा, 442 किसके बराबर कर दोगे 2210 के, फिर 2210 में 442 का भाग देगे 100 से, तो ये दो बार काट देगा और दो पांच बार 500 रुपए आ जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, साधारण ब्याज के किस्तों के प्रश्न बिल्कुल आसान से ही होते हैं। फिर ऐसे देखा था कि मान लो कोई 3270 रुपए देय राशि हो और इंटरेस्ट रेट कितनी हो 9%, और कितनी किस्तों में पे किया जाए, तीन किस्तों में यदि पे किया जाए मामले को, तो आप तीन किस्तों को 100 की मानेंगे, पहली किस्त के साथ में 9 के भाव से 18 ब्याज मिलेगा, दूसरी किस्त के साथ 9 के भाव से एक ही मतलब 9×9 ही ब्याज मिलेगा, और थर्ड वाली के साथ ब्याज मिलेगा नहीं, तो देय राशि बनाएंगे तो ये 300 कितनी बनेगी 27, 327 को किसके बराबर कर देंगे 3270 के, तो 3270 में 327 का भाग देंगे तो वो 327 तो कट ही जाएगा 10 बार में, तो वहां 10 लगा देंगे, 10 को 100 से गुणा करेंगे, क्या आंसर आ जाता 1000 आ जाता। ये कुछ चीजें कल तक आप देख के गए थे। सेम यहाँ पांच किस्तों में दे है राशि और कितने परसेंट से है 10% से है, तो आप ये कह देते कि सर हर साल 100-100 की मानते, साधारण ब्याज का मसला है तो ये तो 500 हो जाता, इधर 10 के भाव से पहली किस्त के साथ चार किस्तों का ब्याज देना पड़ेगा यानी 40 रुपया, दूसरी किस्त के साथ तीन किस्तों का ब्याज देना पड़ेगा क्योंकि टोटल किस्तें 5 थी, फिर तीसरी किस्त के साथ दो किस्तों का ब्याज देना पड़ेगा 20, क्योंकि यहाँ ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता डायरेक्ट, ब्याज केवल ब्याज ही मिलता है राशि का, जो भी बची हुई राशि है उसका ही मिलता है, फिर लास्ट वाली किस्त के साथ कुछ देना नहीं है आपको क्योंकि उसके आगे कोई किस्तें ही नहीं बची हुई है आपके पास में, तो ये टोटल कुल मिलाकर कितना बन गया 100 तो इधर बन गया, 500 ये बन गया, टोटल बन गया 600, 600 किसके बराबर हो जाता 696 के बराबर हो जाता, तो दो जीरो कट जाती, एक बराबर कितना हो जाता 16, और 100 बराबर हो जाता 1600, ये प्रत्येक किस्त की राशि हो जाती 1600 रुपए। ऐसे हमने कल तक कुछ चीजें पढ़ी हैं, इससे पहले चक्रवर्ती ब्याज की किस्तें पढ़ी थी, वो भी बिल्कुल आसानी है यदि आप उनकी गणना करना जानते हैं तो। लेकिन साधारण ब्याज में ये ध्यान रखना कि ये भुगतान राशि या देय राशि होनी चाहिए, नहीं हो तो बना ले उसे। आप देखें देखो 2280 रुपया क्या है, देय राशि है, भुगतान की राशि है, मतलब जो टोटल देनी है ब्याज सहित देनी है वो है ये टोटल रुपया। तो मुझे बताइए 16% साधारण ब्याज की दर हो और दो वर्षों में देनी है, और यहां एक बात गौर करना, इस कीवर्ड पे गौर करना, तीन तीन महीने पे किस्त देनी है, तिमाही किस्तें देनी है, किस्तें कैसी देनी है तीन तीन महीने की, तीन तीन महीने का मतलब होता है 12 महीने में तीन तीन महीने पे किस्त देने जाओगे तो चार किस्त दोगे,
तो भाई ये तो किस्तें आठ बनेंगी, एक साल में चार किस्त बनेंगी, तीन तीन महीने पे किस्तें लागू होंगी, तो और दो साल की किस्तें बनानी है तो पांच छ सात और आठ तक जाएंगी किस्तें, आठ किस्तें होंगी कि नहीं इसमें। फिर 16% साधारण ब्याज की वार्षिक दर है तो तीन तीन महीने की दर क्या लागू होगी? अरे 16% साधारण ब्याज की दर है तो छह महीने की तो कितनी लागू होती? 8%, और तीन महीने की कितनी होती? आप कहते सर 4% तिमाही लागू होगी ये दर, तीन तीन महीने पे चार चार रुपया ब्याज मिलेगा 100 रुपए का, क्योंकि 12 महीने का तो 16 रुपए मिलता है। अब मुझे आप बताइए सारी किस्तों को कितना था मान लेता मैं? 100-100 मान लेता, ये तो मुझे कोई समस्या है ही नहीं कि साधारण ब्याज में प्रत्येक किस्त को मैं क्या मान लेता हूं, 100-100। अब आप मुझे बताओ इसके आगे चार आठ किस्तें हो और एक साल में चार चार किस्तें पे करोगे तो आठ किस्तें हो गई दो साल में, तो एक किस्त का पैसा दे देने के बाद ब्याज कितना कंसिडर करना पड़ेगा? सात किस्तों का, तो यहाँ 700 कितना आता? 28। फिर यहां फिर 6 ही आएगा तो 6 चौका क्या आता? 24। अरे 4 के भाव से देखो, 7 का पाड़ा कौन बोल रहा है? भजनलाल तू बोल रहा है क्या? मन से ही आवाज आ रही है कहीं कि भाई अंदर से बोल रहे हैं। फिर 20, 4 4 के भाव से, 4 के भाव से 5 किस्तों का ब्याज, फिर 4 किस्तों का भाव देने के बाद 16, फिर 12। अरे लखन देखो इसके लखन, फिर 8 होता, फिर 4 होता और फिर 0। ये देय राशि जिसको बनानी आती है उसको सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है इतनी, इसमें तो 5, 10, 8, 10 किस्तें भी हो तो भी बना सकते हैं, क्या ही हो गया उसमें। इस पूरे का आप बताओ ये पूरा देय राशि क्या बन गई? 3, 3, 6, 2, 800 तो सीधा बन गया, इसको तो क्या ही जोड़ना है, 800 हो गया 100-100 का। और इधर देखो 28 को और इनको जोड़ो, पहले तो देखो इस 28 में आप ऐसे जोड़ लिया करो, ये 12, 28 और 12 40, फिर 16 में 24 जोड़ लिया करो, आंखों से जोड़ लिया करो पेन पेपरों से नहीं, 40 और 80 और 20, 8 और 4 इनको और जोड़ लिया करो, 12 ये हो गया और 20 ये हो गया, 32 हो गया, 80 और 32 कितना होता है? 112। 800 और 112 कितना हो गया? 912 देय भुगतान हो गया, जो किसके बराबर हो जाएगा? इतने के हो जाएगा। और ये इसका चौगुना है, 200 का पाड़ा आता होगा आपको, अरे 200 का पाड़ा आता होगा, 200 चौके 800, फिर 20 चौक 80, 8 चौक 32 अभी जोड़ा है वही है, तो इस 228 का पाड़ा ही बोल दो डायरेक्ट, कितनी बार? 4 बार। 4 बराबर क्या हो गया? 10 हो गया। और अपने को कितने बराबर चाहिए किस्त की राशि? चाहिए 100 बराबर चाहिए, मुझे 100 बनाना है, तो 100 कैसे बनेगा? इसको 25 गुणा कर दो 250, एक किस्त कितने की आ जाएगी? 250 रुपए की एक किस्त आ जाएगी। कईयों को नहीं पता चला, जिनको पता नहीं चला वो ध्यान दें, 4 बराबर 10 होता हो तो 2 बराबर कितना होता हो? 5। 2 बराबर यदि 5 होता है तो फिर 20 बराबर 50 होता है, 200 बराबर 500 होता है, 100 बराबर 250 होता है, किधर से भी आ जाओ। और कईयों को नहीं पता चले कि भाई मुझे तो कोई सत्तु नहीं नहीं बैठ रहा है मास्टर, तो जो 2280 है अपने पास उसमें 912 का भाग लगाने से 1 बन जाता है और इसको 100 से गुणा करने से किस्त की राशि बन जाएगी कि किस्त कितनी, तो इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी प्रत्येक उसे कितनी। इसे काट पीट लेना, काट लेंगे कि नहीं, 4 से ऐसे कैसे भी काट लेना, 228 का पाड़ा आता है तो ये 4 बार काट देगा, 4 इसको 25 बार काट देगा, ये 0.25 के लगेगी तो 250 रुपया एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आएगा। दिख गया? साधारण ब्याज में देय राशि हो तो ये परसेंट कैसे बनाया जाता है ये सोचना आना चाहिए बस आपको। ऐसे आ गया। अब देय राशि नहीं हो तो क्या करें आप?
एक व्यक्ति ने 2000 रुपया ही लिया है, अब इस 2000 में ब्याज नहीं है, पहले तो देय राशि थी। देखिए गौर कीजिए, ये जो पर्सन थे अगले वाले पर्सन में, इन पर्सनों में फर्क है, कईयों को महसूस नहीं होता। मैं ये समझाना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इन दोनों पर्सनों में फर्क करना नहीं आता। यहाँ 2280 रुपया ऋण की भुगतान राशि है। भुगतान राशि का मतलब आपने जो पैसा लिया है और उसका ब्याज दोनों मिलाकर इतना बड़ा है। इन पिछले प्रश्नों में आपने गौर करा हो तो इन पे ऐसे था कि 9600 रुपए देकर ऋण का भुगतान किया जाएगा, मतलब ये ली गई राशि प्लस ब्याज जोड़ के इतना हुआ है 9600। जितने भी प्रश्न आपने कल देखे, कुछ आज देखे, ये 3270 ऋण से मुक्ति के लिए दिया गया था। लेकिन अभी जो प्रश्न मैंने आपको दिखाया, ये इसमें एक व्यक्ति 2000 रुपया लिया ही है, अभी इसका ब्याज व्याज किस्त व्यस्त नहीं बनी, उसमें तो टोटल भुगतान बताया था। तो इसमें ये जो ली गई राशि है वो कितनी ली गई है? 2000। अब आपको कोई ये कहे कि देय राशि क्या होनी चाहिए? देय राशि क्या होनी चाहिए? 2000 प्लस 2000 का ब्याज। तो बताओ, 2000 का ब्याज 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 3 साल का ब्याज देगा वो एक साथ ही इसका। तो मैं 2000 का ब्याज निकालता तो पीटीआर बटे 100 होता है, मूलधन समय दर को गुणा करके 100 का भाग दे दें तो साधारण ब्याज कैलकुलेट हो जाता है। तो आप 2000 को गुणा कर दो कितने से? 5/100 से, 3 वर्ष का मसला है, 3 से गुणा कर दो, ये 3 साल का टोटल ब्याज आ जाएगा। तो मैंने यहां इसको काट दिया, 20×5=100, कितना रुपया और बन जाता? तो देय राशि कितनी हो गई? 2300 रुपए देय राशि। पिछले क्वेश्चनों में क्या था कि देय राशि उसने डायरेक्ट दी थी, और इस क्वेश्चन में उसने क्या करा है? मूल राशि दे दी साले ने, तो अपने को ब्याज और निकालना पड़ गया। अब आप कहेंगे कि सर उसके अगले को 2300 रुपए के ऋण का भुगतान करना है और किस्तों में करना है 5% की से, तो अब किस्तें बनानी आपको आती है, देय राशि कैसे बनाते हो? तो प्रत्येक किस्त को कितने की मान लोगे आप? 100-100 की किस्तों को मान लो फटाक से कि सर 100-100 की 3 किस्त हो गई, 3 ही तो किस्त देनी है, और ब्याज का मेजरमेंट बता दिया 2 बार किसका? 5 का, 2 किस्तों का ब्याज बनेगा, 5 × 2 कितना? 10, फिर 5 बनेगा, फिर 0, ये बनाना आ गया होगा सबको, ये छोटी बात है। बस इसमें नई बात ये थी कि देय राशि और बनानी थी अपने को। अब बताओ टोटल देय राशि कितनी हो गई? 315। तो 315 किसके बराबर होता? 2300 के, और मुझे किस्त की, वार्षिक किस्त की राशि चाहिए थी, तो इस 315 का इसमें मैं भाग दे देता और कितने से गुणा कर देता? 100 से, ये किस्त की राशि आ जाती कि ये किस्त की राशि हो गई। काटो, 5 से काट दो, 5 से काट दिया तो 6×5 इतना 63 बचेगा, 61 कौन बचा रखा है? 63 बचेगा, और ऊपर 5 से काटेंगे तो 5×5=20, 30 बचेगा, फिर 6 बार बस 0 ही 0 आ जाएंगे फिर तो ये सारी। अरे इतना बनेगा कि नहीं? 46,000 में 63 का भाग दे, देखें पहले 60 का पाड़ा बोला करो, वहां देखो मिस्र बिन बनी हुई है, सार होंगे नीचे, 63 आ रहा है वो तो मिस्र बिन बनेगी। तो अब आप कहेंगे सर 60 का पाड़ा बोल लेते हैं हम, 60 का पाड़ा बोल रहा हूं मैं, 60 का पाड़ा बोलूं तो 7×6=42, 7 एक बार बोलेगा, 8 में तो 48 ज्यादा चला जाएगा, तो 7 एक बार में यह आएगा। पहले आदमी से ही दिख रहा था परीक्षा में, लखन का आदमी होता तो, अरे नहीं दिख रहा था क्या? अब वो आगे का काम आप देख लेना, 63 का भाग कैसे देंगे, वो भाग 63 का ही देना आना चाहिए था अब इसके आगे तो। हाँ, ये तो डायरेक्ट भी दिख ही रहा था। हाँ, ऑप्शन बार का एल्गोरिथम यो, फर्स्ट डिजिट को देखने से पता चल रहा है, नहीं चल रहा? देखें इसको, बताओ तो फिर, हिम गला हो, देखा कड़ी सो,
ऑप्शनों को सूंघते होगा आप तो, सूंघो देखें। ₹50,000 नगद दे देते तो एक साथ ही पिंड छूट जाता अपना, लेकिन दूसरी चॉइस उसने ये दी है कि आप 10,400 तो कैश ही दे दो, बची हुई राशि का 4 बराबर किस्तें बना के पेमेंट कर देंगे, तो ये 25% के साथ में ब्याज पे आपको ये मिल रही है, तो प्रत्येक किस्त की राशि आप हमें बता दीजिए। तो पहले तो क्या करता मैं, कुल जो रकम है वो तो मेरे पास कितनी थी, 50,000, ये शुरुआती रकम है ना कि देय राशि है, तो मैं इसकी देय राशि बनाता, तो देय राशि में क्या पड़ता, किस्तों में कैसे पड़ती है, देय राशि कैसे बनती, केस में से ₹10,000 तो कैश ही दे दिया, तो जो ₹10,400 तो कैश दे दिया, तो बचा कितना, अरे 10,000 घटाओ तो 40,000 तो सीधा बचता है, फिर 40,000 में 400 घटाओ, इसको भी ऊपर नीचे करके घटाओगे क्या, 39,600 बचा। ये इसकी किस्त बनेगी कि नहीं, इसकी किस्तें बनानी है कितनी, 4, और किस भाव से बनानी है, तो पहले तो इस 39,600 की देय राशि बनानी पड़ेगी, क्योंकि देय राशि भुगतान की राशि तो बता नहीं रखी उसने, ये तो शुरुआती राशि है, तो मैं भुगतान की राशि बनाता तो वो कैसे बनती वो सुने, भुगतान की राशि के लिए मुझे 39,600 प्लस 39,600 का ब्याज और पे करना पड़ेगा, कितने साल का ब्याज पे करना पड़ेगा, 4 वर्षों का ब्याज पे करना पड़ेगा, और किस दर से करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 25/100 कर दो, और कितने से गुणा कर दो, 4 से, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाती, 25 दो जीरो भी काहे को काट दो, 25 चौक 100 से यही काट दो, इतना ही बच गया ब्याज, अरे 25% राशि 4 साल तक मिलेगी तो 100% राशि हो गई कि नहीं, 100% खुद ही होता है, दन्ना का 100% दन्ना ही होता है, 50 का 100% 50 होता है, 39,600 का 100% 39,600 ही होता है, लखन में हो तो दिख जाता वो। अब मुझे बताओ देय राशि कितनी बनेगी, कोई आपसे कहे कि देय राशि कितनी बनी यहाँ पे भुगतान के लिए, ऋण राशि क्या बनी, 39,600 40,000 में से 400 कम, 40,000 में से 400 कम, 80,000 में से 800 कम बनेगी, कई लखन में हो तो, कितना बनेगा कि नहीं, ये भुगतान राशि बनानी नई बात है इन पिछले 1-2 प्रश्नों से, बाकी उससे पिछलों में तो भुगतान राशि अगले ने दी थी तो सीधा ही 100-100 ही मानते थे आप, इसमें भी करना तो वही है कि आप किस्तों की राशि को कितना था मानोगे, 100-100 ही मानोगे अब कि भाई 400 तो ये किस्त हो गई, ब्याज कैसे पे करोगे, अगली 3 किस्तों का दे करोगे पहली किस्त के बाद में, तो 25 75 25 का 3 और 25 के भाव से 2 करोगे 50 और फिर 25 के भाव से 1 करोगे, ये तो बनाना आ गया होगा, ये तो खूब बनवा दिया मैंने कल से ही, और इसको टोटल करेंगे तो 75 में 25 जोड़ो 100 हो जाएगा, 150 तो ये हो जाएगा, 400 ये 550 हो जाएगा, तो यहाँ देय राशि हो गई 550। 550 की तुलना किससे कर लेनी है इसके, तो ये 550 बराबर ये हो गया, तो 1 बराबर इसमें किसका भाग दे देंगे, 550 का भाग दे दो, और किस्त की राशि चाहिए तो इसको कितने से गुणा कर दो, ये किस्त की राशि आ जाएगी डायरेक्ट ही। अब आप बताओ इसको काटेंगे तो 1 जीरो से क्या हो जाएगी, अब 5 से काटो तो 5 से काट लो, 5 से कटता है 11 बार और 5 से 0 कटती है 2 बार, 0 को 2 बार काट सकते हो, लास्ट की 0 5 से 2 बार कटती है, और 11 से काटो तो 11 7 77 22 72 गुणा 2 कर दो और 2 जीरो लगा दो, 72 2 144 होता है, ₹14,400 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी, और किस्तें हर किस्त बराबर आती है तो प्रत्येक किस्त 14,400 की पे करनी पड़ेगी। जो शुरुआती प्रश्न थे उनमें ऋण की देय राशि थी तो मैं डायरेक्ट ये बनाता था, ये पिछले 1-2 प्रश्न आए हैं उनमें मैं नया काम क्या कर रहा हूँ,
ये तो वैसे ही करना है, बस इसकी देय राशि बनानी है। मूल शुरुआती पेमेंट दे दे कभी भी आपको तो उसकी देय राशि बनानी होती है। कौन से ब्याज में? साधारण ब्याज में। किस्तें कम आती हैं वैसे, पर्सन चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के आते हैं, कभी कभार आते हैं वो पर्सन, तो उनको देख लें। कई बार तो नहीं भी पढ़ते हैं तो काम चल जाता है ज्यादातर एग्जामों में, लेकिन फिर भी कभी कभार पढ़ लेते हैं अपन के। कुछ कुछ बच्चे काम नहीं चलाने वाले भी होते हैं। देखो देखो क्या कह रहा था। उसने कहा था कि डिजिटल नोट पैड है और 25,000 रुपए नकद पे करेगा वो, लेकिन 2500 रुपए डाउन पेमेंट यानी कि कैश दे दिया तुरंत से उसने, और 4 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। 4 समान कैसी किस्तें हैं? मासिक किस्तें हैं। प्रभावी ब्याज दर 24%, वार्षिक साधारण ब्याज की दरें हैं। ये गौर करना, ये वार्षिक ब्याज की दर है, वो हम महीने के हिसाब से देनी है, ये वार्षिक है, इसका ध्यान रखना। 24% वार्षिक का मतलब होता है 2% मासिक, 2% हो गया महीने का। अरे 6 महीने का 12% होता, 3 महीने का 6 ही होता, तो 1 महीने का कितना होता? 2% तो मासिक किस्त कितनी होगी? तो अभी देखो, पहले तो भुगतान राशि बनानी पड़ेगी। तो टोटल जो अभी राशि आपने ली है वो कितनी ली है? 25,000 रुपए का मसला था, इसमें से कैश कितना दे दिया उसने? 25,000 का मसला था, 2500 उसने दे दिया। ये तो पेमेंट डायरेक्ट ही दे दिया कि नहीं? तो बची कितनी अपने पास? 22,500 बची, और भुगतान राशि बनाएंगे तो 22,500 प्लस 22,500 का कितने महीने का ब्याज? 4 महीने का ब्याज। ये देय राशि बनाएंगे, पहले तो भुगतान राशि बनाएंगे कि नहीं इसकी? तो 22,500 में 22,500 का कितना, किस दर से? 24% वार्षिक की दर से कितने महीने का? 4 महीने। 4 महीने को क्या बनाएं आप? वर्ष बनाएं तो नीचे 12 का भाग दे देंगे, या फिर उस 24 को क्या लिख लेंगे? 2% लिख लेंगे। यदि 12 का भाग नहीं दो तो 24 को 2 लिख लेना। अरे वो ही बात है, 12 का भाग दोगे तो 2% ही आ गई महीने की। तो 4 महीनों में कितना मिल जाता? इसको डबल कर दो पहले, तो डबल कर दो या अंटे कर लो इसका, डायरेक्ट ही अंटे कर लो। 1800 रुपया हो गया, नहीं देखा 25 अंटे 200 होता है, 200 का अंटे करोगे तब 1600। अरे नहीं आता क्या? 4 2 8, तो 25 अंटे 200, और 200 अंटे कितना होता है? 1600। तो इसमें कितना जोड़ दो आप? अरे कितना हो गया ये? 1800। तो देय राशि बना देता हूं मैं, ऋण का भुगतान राशि कितनी हो गई? उसे भुगतान करना पड़ेगा 22,500 प्लस 1800, तो 23,000 24,300। अरे 24,300, देखा करो, 22,000 तो सीधा है, ये 1,000 है, तो 23,000 तो सीधा हो गया, और 800 और 500 1300 और हो गए। अब वो 100-100 वाली किस्तें बना लो जैसे बनाते थे वैसे। अब 4 मासिक किस्त बनाओगे आप, तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, मैं 4 किस्तें बना लेता हूं इसकी। पहली किस्त को 100 रुपए की मानूंगा, दूसरी को 100 रुपए की मानूंगा, तीसरी को 100 रुपए की मानूंगा, चौथी को भी 100 रुपए की मानूंगा। लेकिन देय राशि कैसे बनेगी? इनके साथ में ब्याज, बचा हुआ ब्याज। पहली किस्त दे देने के बाद ब्याज बचेगा कितनी किस्तों का? 3 का। लेकिन ये महीने की किस्तें हैं, ये ध्यान रखना, कहीं ये चौथिया 72 कर दो, 72 नहीं करना है, या महीने के हिसाब से ब्याज लगाना है। तो महीने का कितना हो गया? 2% मासिक हो गया ये। अरे 2% मासिक हो गया कि नहीं? तो आप कहोगे 3 का यहाँ 6 ले लो सर, फिर उसके बाद 2 का क्या ले लो? 4, फिर 2 ले लो, और फिर क्या ले लो? 0। कितनी हो गई देय राशि? 400। तो ये हो गया 6 4 10 2 12, 412 हो गई देय राशि। तो 412 इसके बराबर कर दो, तो आप कहेंगे सर 412 का भुगतान हो गया, तो 412 इसके बराबर करेंगे तो इसमें कितने का भाग टिका दो?
412 का भाग टिका के कितने से गुणा कर दो, इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये पॉइंटो पॉइंटो में बनेगा और पॉइंटो में भी ढाई तक पूर्णांकित मान चाहिए, पॉइंटो में नहीं चाहिए। 10 के पास में कौन सा मान बना, 10 के पास का मान मतलब ये होता है कि जैसे मान लो 8 बन गया तो उसको 10 ही माने, 18 बन गया तो उसे 20 माने, क्योंकि 15 या 15 से बड़ा होता है वो 20 के दाई के मान के बराबर आसपास होता है। मतलब कहीं मान लो 24 बन गया तो वो 20 के आसपास है दाई में, और कहीं 26 बन गया तो वो 30 के आसपास है। ये दाई का पूर्णांकित मान करना मैंने नंबर सिस्टम में बताया था पिछले दिनों। अब जैसे मान लो कहीं मेरे पास ऐसे आ गया कि 4098, तो ये दाई में किसके बराबर हो जाएगा, 4100 के बराबर हो जाएगा। 98 है तो वो अगले 100 के दाई जो आएगी, दाई में जो आएगा जीरो वाला पॉइंट उसके बराबर होगा कि नहीं। चलो तो काटे अब इसको, 412 किससे कट सकता है, 4 से, 4 से काटूं तो ये 4 दाई 40 होगा, 103 बार कट जाएगा, और ये 6 का 24 फिर कितना बचेगा, 0। अरे काटो 4 से 7 बार, फिर कितने बार, 5 बार, फिर 103 का भाग दे इसमें कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा फर्स्ट में, तो 5 बार 103 का पड़ा आता होगा, 100 का पड़ा बोलते जाओ और 3 का पड़ा बोल जाते हो, तो आप कहेंगे सर 100 × 5 500 और 515 बनेगा, तो 515 पंजे में कट जाएगा, ये 515 के बाद में कितना बचेगा, 85 और 7 बचेगा, 92 बचेगा, फिर 92 किसके पीछे लगा दोगे, 5 के, तो कितना बन जाएगा 925, 9 × 27 कितने बार जाएगा, 8 बार ही जाएगा, अरे 9 × 27 में ज्यादा चला जाएगा नहीं, देखा 9 बार में तो 9 को करेंगे तो 900 तो सीधा जाएगा, 25 ही बचा, छह हजार 75 में 103 का भाग देना था, सुनना 6075 के 2 जीरो लग गई थी और इसमें कितने का भाग देना था, ऐसे कान बनाने नहीं थे लेकिन बनवा दिया आपने, भाग देना था डायरेक्ट, सबसे पहले यहां तक दे लेते तो कितनी बार जाता, 5 बार भाग जाता, जिसमें 500 तो सीधा बनता और 5 × 3 = 15 बनता, और इनको घटाते तो देखो 600 में से 85 बचा हुआ था और 7 और तो 92 बचता, कितना बचता 92, फिर क्या उत्तर था, 5 उत्तर था, तो 925 बनता। अब 900 देखो 9 बार में पाड़ा बोलूं, यदि मैं 9 बार पाड़ा बोलूं तो 900 होता है 9 × 3 = 27 ज्यादा चला जाता है, ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 9 बार पाड़ा नहीं बोलेगा, कितनी बार बोलेगा, 8 बार ही बोलेगा, तो 8 बार में 800 तो सीधा बनेगा और 24 और 800 कितना बनेगा, 824 का मतलब एक यहां से 101 दूरी हो गई है, अरे 101 हो गई कि नहीं ये दूरी, फिर क्या उतरेगा, 0 उतरेगा, तो 1010 हो गया मेरे पास में। अब 1010 में आप मुझे बताओ इसका भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार में तो ज्यादा चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार में जाएगा, तो 900 कितना आएगा, 27। अब 927 में देखो 73 तो डायरेक्ट ही बच गया और 10 और आगे तो 83 बच गया, 83 के बाद भी क्या उतरेगी, 0। अब आप मुझे बताओ इसमें 8 बार जाएगा कि नहीं, तो यहां 8 बार बस, अब तो पॉइंट ही आ जाएंगे आगे, अब आगे नहीं करना है, 5898 इसका आंसर क्या बनता, लगभग 5898 बनता, वो कह रहा है दशमलव नहीं लगाना है, ढाई तक पूर्णांकित मान होना चाहिए, लास्ट के 2 अंकों का पूरा मान होना चाहिए। मतलब अब मुझे बताओ ये 5800 के पास में है कि नहीं, तो यहाँ 5898 को मैं क्या कहूंगा, 5900 कहूंगा, अरे नहीं दिख, कईयों को नहीं दिखता, गिनती आती है कि नहीं, कईयों को गिनतियों का अभाव इतना है कि मास्टर ऐसे कह देता है कि 5898 है,
इससे पहले पूर्णांकित मान क्या रहा होगा? 5890 रहा होगा। अरे दाई तक, दाई का तक का मान 90 रहा होगा कि नहीं, इससे पिछला तो। और इससे अगला दाई वाला मान क्या आएगा? ये 99 आएगा। फिर इसके तुरंत बाद क्या आएगा? देखे देखो, ये नजदीक है तो दाई तक का पूर्णांकित मान पूछे तो जिसको पूर्णांकित नहीं करना आता था उसके भी पंगा हो गया था यहां कि अब ये लगाए एक, ये लगाए दो, चीज नजदीक थी उसके, ये तो चलो मान लिए, ये तो नहीं आएंगे तो बहुत दूर हो गए। तो दाई तक का पूर्णांकित मान कौन सा होता? डी ऑप्शन होता। कहीं ऐसे भी मुर्गी बनाते छोटा सा पर्सन। दिख गए इनमें पहले दे राशि बनानी थी, ये दे परसेंट दे बनाना तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, परसेंट दे तो 412 तो इजी बनता है। हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, देओ बस। अरे छोटे मोटे 10 तो बगैर दवाई भी मिट जाते हैं उसमें क्या। हाँ, चाय चुई की फाकी दे दो, डोडा पोस्ट की फाकी दे दो हल्की फुल्की, उससे भी मिट जाते हैं मित्र। लेकिन वो फर्स्ट फेज में ही दे दो तभी रुक सकते हैं, बहुत ज्यादा हो जाने के बाद दबा लो मान लो फिर दिक्कत आ जाती है। ऐसा आ गया मान, एक सोफा सेट 48,500 रुपए कैश में खरीदा जा सकता था, लेकिन 10,500 नकद दे दो अग्रिम भुगतान के साथ में, और साथ ही साथ 3 मासिक किस्तों में उपलब्ध करा दिया जाए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% प्रति वर्ष। यहां मासिक है मसला क्या है? तो साल का 16% होता वो तो एक महीने का 16/12 होगा। अरे 16/12 नहीं होगा क्या? 16/12 को क्या कहते हैं? अरे ये 16% दर तो वार्षिक है, एनुअल दर है। इसे मंथली बनानी हो तो 16 में 12 का भाग देंगे तो 4 से काटेंगे, 4/3 दर क्या होगी? 4/3% एक महीने की दर होगी। यदि महीने के हिसाब से वो दे राशि बनाओ तब 4/3 से बनानी पड़ेगी। चलो, और अभी मुझे दे राशि टोटल भुगतान की बनानी है तो बताओ टोटल भुगतान शुरू में लिया कितना है? 48,500 लिया है, जिसमें से कितना अग्रिम भुगतान कर दिया? 10,500। तो पहले 10,000 घटा दो इसमें, 38,500 और घटा दो, 38 ही बचेगा, 500 तो पहले घट ही गया है वो। तो 38,000 रुपए के साथ में 38,000 रुपए का ब्याज लौटा दो, वो दे राशि हो जाएगी। तो 38,000 का कितने का महीने का ब्याज करना है? 3 महीने का ब्याज करना है। दर क्या है? 16%, तो 16/100, ये वार्षिक है तो 3 में 12 का भाग भी देना है। ये 12 का भाग नहीं दे तो 4/3 पहले लिख लेना, एक ही बात है, जैसे भी लिखना चाहो। दिख गया, ये वर्षों में बना, ये वार्षिक हो तो ये भी वर्षों में होना चाहिए, महीनों को वर्षों में बदलने के लिए 12 का भाग दे दे, दिन हो तो 365 का भाग दे दे, हम साधारण ब्याज में सीखा था पहले, पढ़ा था तब। अब बताओ इसको मैंने काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी हैं, 3 से कितनी बार काट दिया है? 4 बार। 4 से कितनी बार काट दिया है? 4 बार। इसका चौके करेंगे आप तो 152 आएगा, 38 चौके तो 1520 बनेगा। अरे 1520 बनेगा कि नहीं? ये 400 में से 20 कम है तो चौके करेंगे तो 1600 में से 80 कम आएगा, नहीं पता चला, गुणा कर लेना आप जैसे भी, आंखों से करते हो कि हाथों से करते हो कि दिमाग से करते हो कि नाक से करते हो, वो तो आप जाने। जो चीज जितनी ज्यादा एक्टिव हो और खुली हो उससे ही कर लेना। अब दे राशि बताओ कितनी बनी, टोटल भुगतान कितना बना? 1520 और जोड़ दो, 39,520, ये टोटल भुगतान हो गया कि नहीं? अरे टोटल पे करना पड़ गया कि नहीं? तो ये टोटल भुगतान हो गया। अब प्रतिशत से अपन टोटल भुगतान बना सकते हैं, मैंने बनाना बताया कैसे बनाते हैं। तो साधारण ब्याज के अंदर
जो ऋण भुगतान राशि बनाते हैं उसमें किस्तों को क्या मान लेते हैं? 100-100 कितनी किस्तों पे उपलब्ध है ये? 3 किस्तों में, पहली किस्त के साथ 2 महीने का ब्याज मिलेगा, तो 1 महीने का ब्याज है 4/3, तो 2 महीने का ब्याज बनेगा 8/3। कईयों को नहीं पता चला 8/3 कैसे बनेगा, अरे इसको 2 से गुणा करो बड़ो, 8/3, और फिर आगे 1 महीने का 4/3 आगे 0, ये भिन्नों को जोड़ना आता है, बटे में तो 3 है ही, तो लघुतम तो 3 आ जाएगा, तो ये 12/3 बनेगा, 4 हो जाएगा, तो 300 तो ये 4 वो कितना, ये डायरेक्ट जोड़ दिया है, किसी को जोड़ना नहीं है, तो 8/3 + 4/3 3 लघुतम आएगा, 12/3 4 बनेगा, तो 304 बन जाएगा ये। अरे टोटल भुगतान का परसेंट क्या बन गया? 304। 304 किसके बराबर कर देना? 39,520 के, तो 1 बराबर आ जाएगा, और 100 से गुणा करते ही 100 आ जाएगा, तो मैं इसमें भाग दे देता 304 का, और गुणा किससे कर देता? 100 से। काटो, अब काटो देखें, तो एक किस्त की राशि आ जाएगी फिर आपके पास, ये किस्त की राशि बना दी है मैंने, देखो 13 × 39 सर, 13 × 52 लखन से, देखो पाड़ा क्या बोल रहे हो आप, 304 का पाड़ा ही बोल दो, 4 से कौन काट रहा है छोरे? अरे नहीं दिख रहे, 13 × 52 और 13 × 39 कितनेस बार कटेगा ये? 13 बार कट जाएगा, तो 13,000 उत्तर आ जाता मेरा, और क्या ही लगाते है इसमें, तो डी ऑप्शन आ जाता। क्या हो गया थे बंदा? हाँ लगा दी हड़ू, ये निकालो देखें क्या कह रहा है। नहीं आया, छह परसेंट सरल ब्याज की दर से 960 रुपए का ऋण है, वो बी को इस शर्त पे दिया गया है कि 4 बार से किस्तों में चुका देना चाहिए इसको, जिसमें पहली 3 किस्तें तो मूलधन का 1/4 होंगी, पहली 3 किस्तें मूलधन का 1/4 होंगी, चौथी किस्त शेष किस्त पूरे ब्याज के साथ चुकाएगा, मतलब बच गई राशि वो प्लस पूरा ब्याज वो लास्ट में चौथी में चुकाएगा। यानी प्रश्न ये कहना चाहता है कि जो फर्स्ट ईयर की जो किस्त है, पहली किस्त हो मूलधन का 1/4 होगी, मूलधन का 1/4 समझ गए, मूलधन था 960 रुपए ही, वो देय राशि नहीं है, तो 960 रुपए का 1/4 जानते हैं आप, 4 का भाग दोगे 24 × 96 240, पहली किस्त कितने रुपए की आएगी, फिर दूसरी किस्त भी कितने की आएगी 240, तीसरी किस्त कितने की आएगी 240, और तीसरी किस्त चौथी किस्त आएगी वो कितने की आएगी, बच गया वो प्लस पूरा ब्याज, पूरा जो ब्याज ब्याज बन गया उससे, ये तो भाई मूलधन का चौथा हिस्से की किस्त दे देना, 3 तो ऐसे कहा था अगले ने शर्त में, बाकी बच गया वो क्या है कि शेष किस्त में पूरे ब्याज के साथ चुकता कर दिया उसने। तो बताओ ब्याज कैसे निकालते, बचा हुआ तो वैसे 240 ही बचा हुआ था, लेकिन ब्याज भी तो पूरा ब्याज निकालोगे उसमें, ब्याज कैसे निकालोगे? शुरुआती वाली किस्त 1 साल बाद में दी तो 960 रुपए का ब्याज लगा दिया स्टार्टिंग में, तो भाई 960 रुपए शुरुआत में लिए थे तो उस समय वो 1 साल बाद 240 रुपए दिया है, तो 1 साल का ब्याज तो किसका देना पड़ेगा अपने को, 960 रुपए का, फिर उसमें से 240 उसने हटा दिए, तो 240 हटाने पर कितना हो गया, 720 रुपए का 1 साल का ब्याज और देना पड़ेगा उसे, फिर यहां से क्या कर दिया उसने 720 में से भी कितना हटा दिया, 240 रुपया और दे दिया, तो कितना बच गया होगा 480, और फिर बचा हुआ जो 240 रुपया होगा उसका ब्याज और देना पड़ेगा उसको, ये ब्याज पे कर रहा है वो,
अरे पहली किस्त 1 साल बाद दी है उसने, तो 960 रुपए का दे नहीं बनाया अपन ने डायरेक्ट, वो डायरेक्ट ही पे करवा रहा था इसमें, देखी बात नहीं थी, वो चौथा हिस्सा पे करवा रहा था इसमें। तो बताओ ये टोटल धन राशि 1 साल तक किस ब्याज से देगा लास्ट में, एक साथ ही ब्याज देगा यहाँ पर वो, तो 960, 720, 400 सिर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2400 रुपए का 6% की दर से 1 साल का ब्याज, एक एक साल का जोड़ दिया ये सारा, अलग अलग नहीं जोड़ा है, दो जीरो काट देते 24 का कितना आ जाता 144 रुपया ब्याज मिल जाता, 240 के साथ में 144 रुपया ब्याज लौटा था तो 384 रुपये लौटा था, ऐसे कह रहा था ये 384 रुपये लौटा था। किसमें किस्तों के थ्रू नहीं लौटाया, यहां तो किस्त बनाई नहीं उसने, डायरेक्ट मूलधन का चौथा हिस्सा लौटवाया मतलब, तो बची हुई राशि पे करना पड़ेगा, एक साथ सारों की किस्त बनाता तो एक साथ सारों का ब्याज करके उसको डिवाइड करता है मतलब। तो इसमें तीन किस्तों तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 240 240 240 आपको पे करना था, चौथी किस्त में क्या जो 240 बच गया प्लस पूरा ब्याज, संपूर्ण ब्याज, पूरा ब्याज मतलब जो शुरू से चला वो आ रहा है, उस पूरे ब्याज को एक साथ पे कर रहा है, तो पहले 960 रुपए लिया है वो एक साल तक ब्याज देगा, एक साल बाद ये देगा कि नहीं, फिर इसके बाद क्या करा होगा 240 दे दिया होगा तो 720 रुपया ही बचा होगा, फिर एक साल तक इनका देगा, एक साल का इसका ब्याज, एक साल का इसका ब्याज, फिर 720 में से ये दे दिया होगा तो 240 सर बची हुई राशि का, ऐसे 4 सालों तक वो अलग अलग ब्याज कंसिडर करना पड़ेगा। अब कई बार इनमें दरें निकलवा लेता है आपसे, वो ही साधारण ब्याज में कि भाई दर बता दो कि दर कौन सी से करा, खैर ये दर निकालना तो आसान है लेकिन इसमें टुकड़ों में सोचना पड़ेगा आपको कि भाई कौन सी किस्त का बची हुई राशि का, जैसे अभी ब्याज सोच रहे थे। एक ट्रैक सूट खरीदा गया है 2400 रुपए नगद, या फिर एक साथ दे तो 2400 दे दो, यदि आप एक साथ देते हो तो कितना पे कर दो 2400, लेकिन आप किस्तों में पे करते हो तो किस्तों में पे करते हो तो 1000 रुपए तो नगद दे दिया आपने, और दो किस्तें दी हैं तो पहली किस्त 800 की दी होगी, फिर दूसरी किस्त 800 की दी होगी, तो अब प्रोडक्ट कितने में पड़ा होगा आपके 1600 और 10 2600 रुपए में पड़ा होगा। अरे किस्तों में लिए तो वो 2400 का माल 2600 में पड़ा कि नहीं आपके, तो ऐसे दर पूछे तो पहले तो ये सोचना कितना आपको पे करना था और किस्तों में पे कितना कर दिया आपने। तो अब आप ये कहेंगे कि सर 2600 रुपए किस्तों में हमने पे कर दिए तो ब्याज कितना बना, अरे ब्याज कितना बना 200 रुपए ब्याज के ही तो देने बन गए आपको, प्रोडक्ट तो वैसे थे, मान लो ये पेन 2400 रुपए में मिलता, आप 2400 एक साथ दे देते दे तो 2400 मिल जाता है, लेकिन किसी ने कहा भाई किस दे दे तू 1000 रुपए तो अब दे जा, बाकी 800 रुपए बाद में दे जाना, इसका मतलब 2600 रुपए पे करने पड़ गए आपको, तो ये 200 रुपए काई के पे करने पड़े ब्याज के। तो पहले तो आप ब्याज निकाल लें ऐसे कोई दर का मसला हो। अब ब्याज कैसे मिला होगा, ब्याज जो अभी अपन ने सोचना बताया था, राशि जितनी बनी होगी शेष बची होगी उस पे ब्याज मिला होगा, शुरुआत में 2400 रुपए थे, 1000 रुपए कैश दे दिए तो पहले ब्याज कितने पे देना पड़ा होगा 1400 रुपए का ब्याज देना पड़ा होगा एक साल तक। अरे वार्षिक है कि मासिक है, मासिक है, एक महीने का ब्याज देना पड़ा होगा 1400 रुपए का, फिर उसके बाद में आपने कितने और दे दिए 800 दे दिए, तो कितने 1400 में से 800 दे दिए तो फिर कितने का ब्याज देना पड़ा होगा 600 का, यही तो दो ही तो ब्याज देने पड़े होंगे, एक तो 1400 रुपए का एक महीने तक ब्याज देना पड़ा होगा, फिर अगले महीने में 600 का देना पड़ा होगा, और चुकी गया होगा फिर तो आपने 800 रुपए और फोड़ दिए होंगे मूंड में, तो इनका ब्याज देना पड़ा होगा। ये 1400 और 600 कैसे बनाए वो पुनः सुन लें आप, शुरुआत में 2400 रुपए का प्रोडक्ट था, उसमें 1000, 800, 800 दो महीने में पे करके 2600 पे करने थे, तो ये ब्याज तो 200 रुपए बन गया, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये कैसे बना होगा वो सोचना आना चाहिए आपको। 2400 में से 1000 आपने दे दिए तो ब्याज के लिए कितनी रकम बची थी 1400 रुपए, एक महीने बाद किस देगा तो किस देगा, तब तक तो 1400 का ब्याज लगेगा,
एक माह तक 1400 का ब्याज लगता रहा आपके, फिर उसके बाद में आपने 800 रुपए दे दिए, 800 रुपए दे दिए तो फिर आगे कितना धन बचा होगा, 600 ब्याज के लिए बचे होंगे। तो फिर एक महीने तक 600 रुपए का ब्याज लगा होगा और फिर वो 800 रुपए दे के आपने पूरा काम खत्म कर ही लिया। तो ये ब्याज का प्रोसेस था, यानी एक साथ ही एक महीने का इसका ब्याज निकालोगे, एक महीने का इसका निकालोगे तो एक साथ ही कितने का निकाल दो, 2000 का निकाल दो। कितने महीने का, एक, अरे दो का नहीं, एक एक महीने का। अरे ये भी एक महीने के लिए निकालोगे, ये भी एक महीने का, तो 2000 का एक महीने के लिए निकाल दो। तो 2000 का एक महीने का ब्याज निकालेंगे, दर का पता नहीं है, आर बटा कितना कर लेंगे, 100 दर निकालनी है, और एक महीने का निकालें तो एक बटा क्या करना पड़ेगा, 12, क्योंकि वार्षिक दर लेनी पड़ेगी यहाँ तो अपने को। और ये किसके बराबर हो जाएगी, 200 रुपया ब्याज के। अरे ब्याज बन गया कि नहीं इसका, अभी से मैं काटता तो 2 जीरो से तो क्या कट जाती, 2 जीरो कट जाती। तो अब आप कहेंगे सर इस 20 से उसको भी काट दो, अरे नीचे जाके कटेगा कि नहीं, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, ये 12 ऊपर जाएगा, अरे एक 10 बच गया, कितने परसेंट दर आ जाती। ये ज्यादा आसान है, थोड़ा सा सोचना आना चाहिए, सूत्र से सोचना नहीं, सूत्र से तो कल सुबह तक सोच पाओगे आप दर को, दर के सूत्र सोचने के होते हैं, सूत्र बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कभी आपने किस्तों के सूत्र कहीं पढ़ के आए और कोई मास्टर दिखाया हो तो देखना उसको, या किताब में देखना किस्तों का सूत्र, कि सूत्र कैसे चलता है उसका। ध्यान दें, फिर से सुने कि कहीं पर दर निकालने के लिए आ जाए आपके पास में, तो दर कैसे बताई जाती है, वो कहेगी 2200 रुपया तो सीधा भुगतान कर दें, यदि आपको डायरेक्ट भुगतान करना है तो राशि कितनी पे करनी पड़ेगी आपको, 2200 रुपए। यहां तो कोई ब्याज बूझ की बात ही नहीं है, एक साथ आपने दिया और ले लिया प्रोडक्ट। लेकिन उसने कहा है कि यदि आप इसे किस्तों में लेते तो 9000 तो पहले देते, किस्तों में कैसे लेते इसको, 9000 तो कैश ही देते, फिर कैश देने के बाद 8000 रुपए की कितनी किस्त होती, 2 किस्त, तो 8000 की पहली किस्त देते, फिर 8000 की दूसरी देते। इसका मतलब आप कहते सर 16000 तो ये हो गए, 9000 ये हो गए, कितना पे करना पड़ा, अरे 16 और 9 25 ही होता है। अब मैं आपसे पूछूं ब्याज कितना देना पड़ गया रहा आपको, यहाँ ब्याज कोई पूछे कि भाई ब्याज कितना देना पड़ गया, तो आप कहते सर 3000 रुपए ब्याज के देने पड़ गए, यदि हम कैश दे देते तो 22000 में ही काम हो जाता, लेकिन किस्तों के थ्रू काम कितने में हुआ है, 25000 में काम हुआ है। तो पहले जब भी दर पूछे तो ये ब्याज निकाल लेना है आपको कि भाई ब्याज कितना लगा अपने इस प्रोसेस में। अब ये ब्याज लगा कैसे होगा, मंथली इंस्टॉलमेंट है, हो सकती है वार्षिक हो सकती है मंथली हो, महीने का ब्याज कैसे लगा होगा, आपने 22000 के प्रोडक्ट में 9000 तो पहले दिन ही दे दिए थे अगले को, तो ब्याज के लिए कितनी राशि बची होगी, 22000 में 9000 घटाओ पहले, कितनी 13000, 13000 रुपए पहले महीने बचे होंगे कि भाई अब इसका ब्याज देना है आपको जब तक अगली किस्त नहीं दे। तो 13000 का ब्याज कितने माह तक देते रहे आप, एक महीना होते ही आपने कितने हजार दे दिए थे, 8000, तो ये 13000 का ब्याज हट जाएगा क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता ही नहीं है। तो 13000 काट के 8000 इसमें से हटा दो, कितने का बच गया होगा, 5000 का, फिर एक महीने तक लगता रहे होगा और एक महीने बाद आपने 8000 देके खत्म ही कर लिया होगा मसले को। अरे दो टुकड़े हो, ऐसे तीन भी हो सकते हैं, कितने भी टुकड़े हो सकते हैं। अब आप मुझे बताओ एक महीने ये रहा है, एक महीने ये रहा है, तो एक साथ ही निकाल दो दोनों का एक महीने का ब्याज, तो एक साथ करूंगा तो 13000 और 5000, 18000 का क्या निकाल दूंगा मैं एक महीने का ब्याज। अरे दो का मत निकाल देना, एक महीने ये रहा है धन, एक महीने ये रहा है, तो मैं ये कहता कि 18000 रुपए का एक महीने का आर परसेंट के हिसाब से, आर तो वार्षिक है, आर परसेंट के भाव से एक महीने का ब्याज कैसे निकलता है, 1/12 बराबर ब्याज कितना कर देना इसके, 3000, ये मेरा आंसर हो जाएगा। काट दो इसको 2 जीरो से, तो 12 से एक कटता है, 12 से 15 बार, अरे 6 से काट लेना, 6 2 8 6 3 8, फिर 30 को काटोगे 2 से 15 बार कट जाएगा, डायरेक्ट काटो तो 15 बार कट जाएगा। अब ये 15 उधर नीचे जाएगा तो R बराबर हो जाएगा 30 को 3000 में 15 का भाग देंगे,
आप कहेंगे सर 15 × 2 = 30, 200% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, ये मेरा आंसर हो जाता। यह आसान ही है दर सोचना, ज्यादा आसान है बजाय पहले वालों के। बस ऐसे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई वो ऋण कैसे दिया जाता है, ब्याज उसका ऋण पर, बची हुई राशि पर ब्याज दिया देना होता है। मतलब अरे 22,000 का ब्याज नहीं देना था, 22,000 में से कितना कटाओगे, ये 9,000, तो पहले जो एक महीने तक ब्याज देना पड़ा वो तो 13,000 का देना पड़ा, फिर 13,000 में से भी 8,000 आपने दे दिए, तो फिर 5,000 का ब्याज देना पड़ेगा एक महीने तक, और फिर आपने पैसा ही दे दिया, अब आगे ब्याज रोज की बात ही खत्म हो गई। ऐसे आ गया मान लो अपने पास में कि भाई इसमें दर कैसे है, 9,000 रुपए का प्रोडक्ट था, कैश दे देते तो 9,000 में काम हो जाता, कि आप एक बार में दे देते तो टोटल कितना पे करना पड़ता मुझे, 9,000। लेकिन आपने एक बार में नहीं दिए, आपने कैसे दिए, 2,200 तो नगद दिए, किस्तों में कैसे दिए, किस्तों में दिए 2,200, तो एक बार दिए आपने स्टार्टिंग में, ये तो पहले दिन ही दे दिए थे आपने, खरीदा उस दिन ही। फिर 1,400 की कितनी किस्तें दे दी, 5 किस्तें हैं, तो अगले को 1,400 × 5 ही, 1,405 बार लिख के जोड़ूंगा एक साथ ही कर देता हूँ, 14×5 = 70, 7,000 तो ये दे दिए, और 2,200 ये ले दिए, कितने दे दिए, 9,200 रुपए पे कर दिए। बोलो ब्याज कितना बना। अब आपसे कोई कहे ब्याज कितना बना है, तो आप कहेंगे सर 200 रुपया ब्याज बना है। अब ये 200 बना कैसे होगा, वो दर निकालेगा, मतलब बनेगा कैसे, ब्याज बनाओगा कैसे, आप मुझे बताओ। 9,000 में 2,200 तो पहले रोज ही दे देंगे, तो ब्याज कितने का, 2,000, 2,200 घटा दो 9,000 में से, 2,000 घटाए तो 7,000, 200 घटाए तो 6,800, 6,800 रुपए का कितने महीने तक ब्याज देना पड़ा होगा आपको, एक महीने तक, अरे एक महीने तक देना पड़ा होगा कि नहीं, उसके बाद में आपने इसमें से 1,400 रुपए और दे दिए होंगे अगली पार्टी को, तो फिर कितने का ब्याज देना पड़ा होगा, 5,400 बचे होंगे, बचे हुए एक आई तो दोगे एक महीने में, जैसे ब्याज दे किस दे रहे हो, तो फिर 5,400 रुपए का एक महीने का ब्याज देना पड़ेगा आपको, फिर 5,400 में से भी 1,400 रुपए और दे दिया आपने, कितने के, 4,000 रुपए का अगले एक महीने तक ब्याज देना पड़ेगा आपको, क्योंकि दे दिया पैसा उसका तो उठाई दिया आपने ब्याज उसमें से, फिर 1,400 रुपए आपने और दे दिए, कितने बचे, 2,600 रुपए का कितने महीने तक देना पड़ेगा, एक महीने तक देना पड़ेगा, अब कितना बच गया, और फिर 1,400 रुपए और दे दिए, 1,200 रुपए का एक महीने तक और ब्याज देना पड़ेगा, लास्ट में आप 1,400 रुपए पे ही कर देंगे, तब आपको ब्याज देना ही नहीं पड़ेगा। अब बताओ ये एक एक महीने का ट्रांजेक्शन है सारा, इसका एक महीने का अलग से निकाल लो, इसका एक महीने का अलग से निकाल लो, इसका एक महीने का अलग से, सबका अलग अलग भी निकाल सकते हैं और फिर सबको जोड़ सकते हैं, लेकिन वो क्या अलग निकालोगे, पूरों को एक साथ जोड़ के एक साथ ही निकाल दो, एक एक महीने का ही तो है सबका, तो बताओ इनको जोड़ लो सारों को, इनको कितना हो गया, बीस हजार, अरे 6,000, 5,000, 11,000, 15,000, 17,000, 18,000 तो सीधा हो गया, 18,000 तो आंखों से ही जुड़ जाना चाहिए, 18,000 के बाद देखो 800 और 200, 19,000 और 400 और 600, 20,000, लखन से देखो ये आंखों से ही जुड़ रहा था, कितना रुपया हो गया ये, 20,000 रुपए हो गए, ये 20,000 रुपए का एक साथ ब्याज निकाल देना है, कितनी दर से, आर परसेंट, क्योंकि दर दे नहीं रखी है तो आर मानो उसको, तो फाइंड करनी है अपने को, और कितने महीने का है ट्रांजेक्शन, तो 5 नहीं है, एक एक महीने में बना लिया अलग अलग अपन ने, तो अब 1/2 कितने से गुणा करोगे इसको, 1/12 से गुणा करोगे आप इसे, और बराबर कितने कर दोगे, 200, अब भाई 2 जीरो से तो 2 जीरो काट लेना, 200 से 200 काट लेना, ये 12 उधर जाएगा, तो आर का मान कितना परसेंट आ जाएगा, 12% दर आ जाती, ये हाँ आ तो थमरे भी को ना बोल बस,
हाँ तभी तो। हाँ तो एडमिट ही दिखता है वो, तभी तो नहीं आए, SMS रेफर कर दिया। तो मिलने उलने नहीं गएगा तुम? ₹10 की राशि को एक एक रुपए के 11 किस्तों में वापस लौटाना है। ₹10 की राशि को एक एक रुपए की 11 किस्तों में वापस लौटाना है। तो दर बताओ भाई। अब आप मुझे ये बता दो, टोटल राशि तो कितनी थी और किस्तों में लौटाओगे तो एक एक रुपए की कितनी किस्त हो गई? 11। तो कितना लौटाना पड़ेगा? ₹11 लौटाना पड़ेगा। रुपए कितने थे? 10। तो ब्याज कितना बना? 1 रुपया। अरे ये तो साधारण बात ही है, 10 को और 11 को भी लिख लिख के जुड़वाओगे क्या? मास्टर मर जाना चाहिए। हाँ अब आप मुझे ये बताओ, पहली किस्त पहले महीने कितने पे ब्याज देना पड़ेगा? ₹10 पे 1 महीने ब्याज देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा क्या? फिर 1 रुपया दे देगा, ₹9 पे ब्याज देना पड़ेगा। अरे 10 ही तो है इसमें, तो शुरुआत में ₹10 ही है, तो 1 महीने तक उस 10 का ब्याज लगेगा, फिर 1 रुपया दे देगा, तो फिर कितने का ब्याज लगेगा? ₹9 का। फिर वो 1 रुपया पे कर देगा, फिर कितने का लगेगा? 8 का। फिर 1 रुपया पे कर देगा, फिर 7 का, फिर किसका? 6 का। ऐसे करते करते लास्ट में 1 का ही लगेगा बस। नहीं दिखा? अब आप मुझे बताओ ये टोटल राशि कितनी, 1 से 10 तक जोड़ दो। 1 से 10 तक की गिनतियों को डायरेक्ट जोड़ना है, बताया हुआ है मेरा। 1 से लगाकर 10 तक की गिनतियों को जोड़ते हैं तो 10। वैसे एक एक भी जोड़ सकते हो कि 10 11 9 2 11, ऐसे भी जोड़ सकते हो इनमें से आराम से। 11 5 55 हो जाएंगे, 5 जोड़े बनेंगे। कईयों को नहीं पता, देखो 10 को और 1 को जोड़ते तो 11 बनता, फिर 9 को और 2 को जोड़ते तो फिर 11 बनता, फिर 8 को और 3 को जोड़ते तो 11 बनता, फिर 7 को और 4 को जोड़ते तो 11 बनता, और 5 को और 4 वो 5 को और 6 को जोड़ते इन दोनों को तो भी 11 बनता, यानी 5 बार 11 बनता, तो इनका टोटल कितना आता? ₹55 का ब्याज पे करना है। कितने महीने का? एक एक महीने का। रेट कितनी है? आर। तो आर बटा 100 गुणा कितने महीने का था? एक एक महीने का है तो 1/12 और लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वार्षिक दर आती है हमेशा जो उत्तर आता है। और बराबर कितना कर देता? 1 8 8 लेता, सबको उधर भेज देता, 5 से काट देता ये 11 बार, 5 से कटता ये 20 बार, 12 2 24, तो आर बराबर ऊपर, ये तो 240 तो ऊपर चला जाता, और 11 कहाँ चला जाता? 240 में 11 का भाग देते तो कौन सा आता वो देख लो, ये ए ऑप्शन आ जाता, सीधा ही आ जाता 11 2 22, पहले में ही दिख रहा है आप। ये दरें सोचनी आई होंगी थोड़ी थोड़ी, तो कुछ तो दरें सोचनी आनी चाहिए, कुछ वो पहले वाले सवाल सोचने आने चाहिए। साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज की जब भी किस्तें सुचवाए, SI में किस्तें सोचनी हो तो इसमें शुरुआत में मैंने 2 प्रकार के प्रश्न बताए आपको। एक में तो देय राशि दी गई हो, देय राशि देता है वो तो डायरेक्ट ही होती है। एक में क्या करती है? ये बनानी पड़ती है, ये देय राशि बनानी पड़ेगी, मतलब। और बनानी कैसे पड़ेगी? जो मूल रकम है प्लस उसका ब्याज जोड़ेंगे, उसके अंदर एक साथ जोड़ेंगे ब्याज, वो देय राशि बनेगी, मतलब जो एक एक किस्तों में पे करते हैं। यदि मैं फिर इसको दोनों काम कर लेने के बाद कौन से प्रश्न आए कि दर कैसे निकलती है, दर निकालने के क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, क्या करना है? पहले तो ये देखना है कि ब्याज कितना बना, उन दोनों को देख के तुलना करके, भाई किस्तें कितनी देनी पड़ रही हैं और टोटल राशि कितनी है, उस हिसाब से ब्याज पता चलेगा। ये ब्याज कैसे बचेगा? शेष राशि का, जो राशि है जितने समय तक रही है उतने का ब्याज अलग अलग अपन
फाइंड कर लेंगे और उसको बराबर कर देंगे आर बटा सो। मंथली है तो एक बटा बारह और लगा देंगे उसके साथ में, वार्षिक हो तब एक बटा बारह लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे दर वर निकालने का काम हो गया। इतना काम आपको साधारण ब्याज में और चक्रवर्ती ब्याज की किस्तों में आना चाहिए। कल चक्रवर्ती ब्याज की किस्तें बता दी थी मैंने एक एक, और ये दिख गया, बाकी तो अब नया ही टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।